हेलो एवरीवन, आई एम निधि सिंह एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभिमान सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अलग अलग यूनिट वन शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं, जहां पर आप मेरे साथ एमपीपीएससी सिलेबस के अंदर एमपी जीके के सभी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। आपने यहाँ पर सबसे पहले यूनिट नंबर वन पढ़ा, जहाँ पर आपने मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति पढ़ा। यूनिट नंबर थ्री पढ़ा, जहाँ पर आपने मध्य प्रदेश का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा। अब आ गई है बारी यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत दो बिंदु रखे गए हैं। पहला, आपको मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़नी है। दूसरा, आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़नी है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम एक अलग अलग जो है सीरीज में अलग अलग शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के इस शॉर्ट में आप मेरे साथ मध्य प्रदेश की पॉलिटी को कवर कर रहे होंगे। जब आप यूनिट नंबर 5 में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो पहला बिंदु है मध्य प्रदेश की पॉलिटी के अंतर्गत, वो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अंदर आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में जानना है। विधानसभा, मध्य प्रदेश कि विधानसभा में आज तक जितने अध्यक्ष हुए हैं उनके बारे में जानना है ना। यानी कि मध्य प्रदेश में जो आपका कह सकते हैं कि विधायिका है, उसके बारे में पढ़ना है। विधायिका के बाद आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है ना, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे मुख्यमंत्री के बारे में और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जुडिशरी सिस्टम, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका, और इस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। फिर एक और यहां पर टॉपिक दिया गया है और वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, पंचायती राज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको मध्य प्रदेश के अंदर भी पढ़ना है, और जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए भी अगर आप पढ़ते हो, वहां पर भी आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। बेहद इंपॉर्टेंट है और हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी का वेटेज आपके पेपर में काफी ज्यादा हो गया है ना। मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, मध्य प्रदेश में गवर्नर से, राज्यपालों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट विधानसभा अध्यक्ष से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और बाकी ये तो बिल्कुल फेवरेट कह सकते हैं टॉपिक है, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन व्यवस्था या नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसे भी आपको कंप्लीट करना ही है। तो इस पूरे वन शॉट में हम इन दोनों बिंदुओं पर नजर रखेंगे और यहां पर इन दोनों बिंदुओं को हम फटाफट तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, यानी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी। देखो, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं, ठीक है। जब बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप क्या पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो, यानी हमारे भारत का तो एक ही संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन यानी उस संविधान के अंदर जितने आर्टिकल्स हैं, जितने भाग हैं, जो भी अनुसूचियां हैं, वो सब आप पढ़ते हो, ठीक है। तो वो जब आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो। लेकिन आपको एक और शब्द सुनने मिलता है और वो है पॉलिटी। पॉलिटी को हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। क्या कहते हैं? पॉलिटी को कहते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था के अंतर्गत आप पढ़ते हो एक तरह से कि भैया किस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ चलाई जाती है, यानी भारतीय संविधान के द्वारा जो आर्टिकल्स दिए गए, भारतीय संविधान में जो भी बातें कही गई हैं, उनके अनुसार हमारे भारत में, साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था चलाई जा रही है। तो ये व्यवस्थाएं जब आप पढ़ते हो, है ना, एक तरह से, तो वो उसका मतलब है आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो समझ जाओ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो। हालांकि पॉलिटी में ये सारी चीजें आप पहले भाई संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है, ये पहला ही बिंदु होता है। पॉलिटी जब भी पढ़ते हैं सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है, क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये सारी चीजें बेसिक होती हैं, ठीक है। तो चलो उसे छोड़ते हैं और आते हैं हम इधर, है ना। बात करें मध्य प्रदेश की पॉलिटी की, उसके पहले हम मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं, है ना, इंडियन पॉलिटी के विषय में। तो जब हम
अपने संविधान को देखेंगे तो हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। राज्य केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, राज्य का मतलब मान लो अभी के लिए एक पूरा भारत। तो हमारे संविधान में राज्य यानी भारत राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को कितने अंगों में? 3 अंगों में बांटा गया है। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला जिसे हम विधायिका के नाम से जानते हैं, लेजिस्लेचर, विधायिका लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा अंग है कार्यपालिका, कार्यपालिका, समझना आप ध्यान से, कार्यपालिका को हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं। तीसरा अंग है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं। विधायिका का काम क्या होता है? देखो, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। विधायिका का काम होता है विधि बनाना, लॉ, कानून का निर्माण करना। तो विधि बनाना किसका काम है? विधि बनाना, विधि निर्माण करना काम है विधायिका का। फिर ये जो निर्मित विधि है ना, ये जो निर्मित विधि है, इस विधि को क्रियान्वित करना या लागू करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का। नाम है ना कार्यपालिका, तो ये क्या काम करती है? लागू करने का काम करती है। तो इस विधि को लागू करना, लागू करना किसका काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है। फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि इस विधि को लागू करने के दौरान या इस विधि के संदर्भ में कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया हो या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो आप कहां जाओगे? आप न्यायपालिका जाओगे, आप जुडिशरी जाओगे। तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। यानी हमारे संविधान के अंदर राज्य की शक्तियों को ये जो 3 अलग अलग अंगों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी, ये तीनों अंग अपना अलग अलग काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति क्या रहते हैं भाई, इनको डर होगा इनका, दोनों को ही न्यायपालिका का डर होता है। यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मतलब स्वतंत्र काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना परामर्श के ये काम नहीं कर सकते, तभी एक राज्य जो है वो चलाया जा सकता है। तो राज्य के ये 3 अंग हो गए, ठीक है, राज्य की शक्तियों के ये 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब अभी हम राज्य, ये राज्य यानी पूरा भारत, अभी हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल में जब हम विधायिका की बात करेंगे, यानी विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना। तो विधि बनाने का काम यानी विधायिका के अंतर्गत, विधायिका किससे मिलकर बनी होती है? विधायिका बनी होती है, ये मैं केंद्र की बात कर रही हूं, राज्य का मतलब है पूरे भारत की, राज्य ही कहा जाता है। जब पॉलिटी पढ़ोगे तो पूरे भारत को एक राज्य ही कहा जाएगा, अभी मध्य प्रदेश को याद मत रखना, ठीक है। तो विधायिका किससे मिलकर बनी होती है? विधायिका बनी होती है सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति, या इसे हम संसद कहते हैं, ऐसे समझो, इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, इसे हम कहते हैं संसद। और संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और 2 सदनों को मिलाकर के। राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, और संसद हमारे देश में विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर का काम करती है, ठीक है। राष्ट्रपति तो अब आपको समझ में आ गया, मतलब अब इसके बारे में, इनके बारे में हम डिटेल यहां पर नहीं जानेंगे, ठीक है। जो 2 सदन है ये कौन कौन से हैं? तो ये 2 सदन है, पहला है राज्यसभा, राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन माना जाता है, इसे संसद का उच्च सदन माना जाता है। और दूसरा है लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। और इस तरह से मिलकर बनी होती है हमारे भारत की यानी कि हमारे राज्य की विधायिका, ठीक है। विधायिका का निर्माण या विधायिका, संसद, संसद का निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों से होता है, 2 सदन में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा को उच्च सदन जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। फिर जब हम आएंगे कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव में, तो एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका का काम कौन करता है? कार्यपालिका का काम हमारे यहाँ किसका है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद है, उनकी जो मंत्री परिषद है, ठीक है,
मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है, किसी भी लॉ को लागू करना या कार्यपालिका का काम प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद का होता है। प्रधानमंत्री का मतलब आप समझते हो, है ना, मंत्रिपरिषद यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं, है ना। ये सारे मंत्री कहाँ पर आएंगे, आपके मंत्रिपरिषद के अंदर आएंगे। तो ये हो गई आपकी कार्यपालिका। न्यायपालिका में आपको पता ही है, न्यायपालिका में भारत स्तर पर, भारतीय स्तर पर न्यायपालिका के रूप में आप किसे देखते हो, सुप्रीम कोर्ट को देखते हो। न्यायपालिका के अंदर आप किसको देखते हो, सुप्रीम कोर्ट को देखते हो। और भारत का क्या है, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर सभी राज्यों के जो आपके हाई कोर्ट हैं वो आते हैं। अंततः आप न्याय के लिए कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो ये हो गई राज्य में शक्तियों के ये तीन अलग अलग अंग। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ, ये तो मैंने केंद्र की बात करी, अब ठीक इसी प्रकार का सिस्टम हमारे राज्यों में है। सभी राज्यों में ठीक इसी प्रकार का सिस्टम है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपने केंद्र की बात करी, अब आ जाओ यहां पर हम राज्यों की चर्चा कर लेते हैं। चलो यहां पर हम राज्यों की चर्चा कर लेते हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। तो भैया मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश राज्यों का भी विवरण है प्रॉपर संविधान में, कि भैया राज्यों की सरकारें ऐसे ऐसे काम करेंगी, राज्य में भी विधायिका होगी, राज्य में भी कार्यपालिका होगी और राज्य में भी न्यायपालिका होगी। यहां पर भी यानी कि जो राज्य की शक्तियों के तीन अलग अलग अंग माने गए हैं। तीन अलग अलग अंग कौन से हो गए, पहला तो हो गया स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका, यही काम होता है। जो काम विधायिका का केंद्र स्तर पर होता है वही काम आपके मध्य प्रदेश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर राज्यों की विधायिका का होता है, ठीक है। दूसरा अंग हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य कार्यपालिका, और तीसरा अंग हो गया स्टेट ज्यूडिशरी यानी कि राज्य न्यायपालिका, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी संरचना है। राज्य विधायिका की जब बात करेंगे, इसका काम क्या होता है, विधि बनाना। कार्यपालिका का भी यहां पर भी काम होता है, उस विधि को लागू करना, हालांकि ये सभी केंद्र के अंदर काम करती हैं, ठीक है। फिर कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका का काम क्या होता है, आपको न्याय दिलाना। जब हम राज्य विधायिका की बात करेंगे, जिस तरह से राज्य विधायिका को हमने सेंट्रल लेवल पर हम विधायिका को संसद बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर हम विधायिका को क्या बोलेंगे, विधायिका को हम किस नाम से जानते हैं, राज्य स्तर पर हम विधायिका को, राज्य स्तर पर हम विधायिका को विधानमंडल के नाम से जानते हैं, है ना। तो केंद्र स्तर पर जो काम संसद का है वही काम राज्य स्तर पर विधानमंडलों का होता है। आ गई बात समझ में। मान लो केंद्र स्तर पर जिसे हम संसद कह रहे हैं, राज्य स्तर पर इसे ही हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल का निर्माण, जिस तरह से संसद का निर्माण राज्य राष्ट्रपति और दो सदनों से होता है, उसी तरह से विधानमंडल का जो निर्माण है ये राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल और किससे मिलकर होता है, दो सदनों से मिलकर होता है, दो सदनों से मिलकर होता है। अब ये दो सदन कौन कौन से हैं, मैं यहां पर लिख रही हूं, ये दो सदन कौन कौन से हैं, विधानमंडल के दो प्रमुख सदन कौन कौन से हैं। तो विधानमंडल के दो सदन हैं, पहला विधान परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखिएगा, विधान परिषद, और दूसरा है विधानसभा, विधानसभा। जैसे वहां पर राज्यसभा है, उसी प्रकार से किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद होती है, यानी राज्यों में जो विधान परिषद है यह विधानमंडल का उच्च सदन माना जाता है और विधानसभा को निम्न सदन माना जाता है, निम्न सदन माना जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन लेकिन जो संसद के ये दोनों सदन हैं, सभी राज्यों में ये सदन दो नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधानमंडल के दो सदन पाए जाते हैं। मोस्टली राज्य में आपको सदन जो है सिर्फ एक, मतलब विधानमंडल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन मिलेगा और वो है विधानसभा। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं पाया जाता। मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद नहीं है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर भी विधानमंडल का सिर्फ और सिर्फ एक सदन है, है ना, और वो है विधानसभा। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, किन किन राज्यों में है मैं आपको बता देती हूं। तो विधान परिषद,
विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद है महाराष्ट्र में, विधान परिषद है बिहार में, विधान परिषद है कर्नाटक में, कर्नाटका में, ठीक है, विधान परिषद है आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है, और विधान परिषद है तेलंगाना में, तेलंगाना में, ये इतने राज्यों में आपको विधान परिषद मिल जाएगी। बाकी मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा काम करती है, विधान परिषद आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इतनी बातें समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्य विधायिका, जिसके अंतर्गत आप विधानमंडल को पढ़ोगे, सबसे पहले हम विधायिका की ही शुरुआत करेंगे, लेजिस्लेचर की ही शुरुआत करेंगे, और इसके अंदर आप जो है विधानसभा के बारे में पढ़ोगे। विधान परिषद का जिक्र नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। फिर जब हम एग्जीक्यूटिव में आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे, तो यहाँ पर कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद आती है, लेकिन किसी भी राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत उस राज्य के मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद आएगी, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। फिर आ जाएंगे अगर स्टेट जुडिशरी में, तो राज्यों के अंतर्गत न्याय देने का काम कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय करता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के अंतर्गत विधायिका किसे कहेंगे, विधायिका का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का क्या वर्क होता है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। अब हम आ जाते हैं एक एक करके, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम राज्य विधायिका की। अब यहाँ संसद की बात नहीं करेंगे, हम इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम एमपी की पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत किसके किसकी करेंगे? राज्य विधायिका की। यानी सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ोगे स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर के संदर्भ में, ठीक है। अब राज्य विधायिका के तीन अंग हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। स्टेट लेजिस्लेचर के क्या है? तीन अंग होते हैं। पहला अंग कौन सा है? विधान, पहला अंग है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, और तीसरा है राज्यपाल। जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर विधान परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं पाई जाती, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। यानी मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका के दो ही अंग है, पहला अंग है विधानसभा और दूसरा है राज्यपाल, विधानसभा और दूसरा है राज्यपाल। आ गई बात समझ में? अब यहां पर हम मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं। विधानसभा स्टेट असेंबली, ठीक है। विधानसभा किसका अंग है, आपको समझ में आ गया? विधानसभा राज्य की विधानमंडल के, राज्य की विधानमंडल के, यानी मध्य प्रदेश की विधानमंडल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन है, और इस सदन को हम विधानसभा स्टेट असेंबली के नाम से जानते हैं, स्टेट असेंबली के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विधान परिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं है, है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी संख्या है 230 वर्तमान में, है ना। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, या मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीट है 230, 230, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, वो है 230। अब 230 में से कुछ सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट, जबकि कुछ सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। तो हम बात करेंगे 230 में कितनी सीट जो है वो एससी के लिए, जबकि कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो एससी के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एसटी शेड्यूल, शेड्यूल कास्ट के लिए 35 सीट आरक्षित है। यानी 230 में से 35 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स आ सकते हैं, जबकि एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व की गई है, है ना। यानी टोटल मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एसटी के लिए 47 सीटें क्या है, आरक्षित है। मध्य प्रदेश का जो
विधानसभा भवन है वर्तमान में वो भोपाल, राजधानी भोपाल में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन। मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन राजधानी भोपाल में स्थित है अरेरा हिल्स में। अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है और वर्तमान में इसे हम मालूम है किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन को वर्तमान में इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जानते हैं। स्थित कहां पर है? राजधानी भोपाल में, अरेरा हिल्स राजधानी भोपाल में स्थित है, वहीं पर मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा लगती है। विधानसभा का जो गठन है वो हर 5 साल बाद होता है। विधानसभा के मेंबर्स वही हैं जिसे आप विधायक एमएलए के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर विधान परिषद के सदस्य होते तो आप उसे एमएलसी के नाम से जानते। विधान परिषद है नहीं, है ना, तो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन मतलब जो सीट्स है वो विधानसभा की है, तो एमएलए के लिए ही निर्वाचन होते हैं, एमएलए के लिए ही इलेक्शंस होते हैं। और विधानसभा में कौन बैठते हैं? एमएलएज ही बैठते हैं, बाकी विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी बैठते हैं। तो जो आपका विधानसभा है ना, विधानसभा का जो कार्यकाल है, विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो होता है 5 ईयर्स का। टेन्योर 5 साल का होता है कार्यकाल, यानी हर 5 साल में। पहले ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के पहले भी भंग हो जाए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर अगर देखा जाए तो 5 साल होता है विधानसभा का कार्यकाल, और प्रत्येक 5 साल बाद वापस से विधानसभा का गठन होता है जब निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये हो गई भाई कार्यकाल की बात, याद रखिएगा। फिर वर्तमान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या भी आपने देख ली कि कितनी है, 230 है। अब यहाँ पर देखो विधानसभा जो है उसके थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, ठीक है, विधानसभा के हिस्ट्री में चलते हैं, विधानसभा के हम थोड़े से इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जैसे विधानसभा भवन को आज हम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जानते हैं, और यह नाम 1996 में यह भवन बनकर रेडी हुआ, लेकिन उसके पहले भी तो मध्य प्रदेश में विधानसभा लगती थी। कहां पर लगती थी, किस हॉल में लगती थी, किस जगह लगती थी, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें हम अंग्रेजों के समय की, अंग्रेजों के काल की, तो अंग्रेजों के टाइम पर एक एक्ट लाया गया था, है ना, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निर्वाचित केंद्रीय प्रांत विधानसभा का प्रावधान किया गया था। किसका प्रावधान किया गया था? 19 भारत शासन अधिनियम ऐसे लिखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निर्वाचित केंद्रीय प्रांत विधानसभा, केंद्रीय प्रांत विधानसभा का, विधानसभा का क्या किया गया, गठन किया गया था। ये हिस्ट्री है, मे भी पूछ लिया जाए, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन सब बढ़ रहे हैं तो हो सकता है पूछ लिया जाए, सो याद रखिएगा। केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा का गठन का प्रावधान किया गया, है ना, और इसके लिए मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो इलेक्शंस हुए थे, गठन का प्रावधान किया गया था, ठीक है, गठन का प्रावधान किया गया था, और इसके लिए फर्स्ट टाइम पहली बार इलेक्शन किए गए थे 1937 में, सबसे पहली बार 1937 में सबसे पहले क्या किए गए, इसके लिए इलेक्शन किए गए थे, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश का जो पहला इलेक्शन है विधानसभा का, वो हुआ था 1957 में ही। 1956 में मध्य प्रदेश बना, और उसके बाद 1957 में पहली बार विधानसभा के लिए इलेक्शंस हुए थे।
मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन कब हुए? 1957 में हुए और विधानसभा का गठन किया गया, लेकिन कुछ ही टाइम पर यह विधानसभा जो है भंग हो गई थी, है ना। और जब भंग हो गई तो वापस से यहां पर इलेक्शन किए गए और जो दूसरी विधानसभा का गठन होता है मध्य प्रदेश के अंदर, दूसरी विधानसभा का गठन कब हुआ? ये होता है 1957, उसी वर्ष इलेक्शन होते हैं और उसी वर्ष जो है दूसरी विधानसभा का गठन हो जाता है, 1 अप्रैल 1957 को, 1 अप्रैल 1957 को दूसरी बार विधानसभा का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो 1976 से लेकर जब तक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हो गया तब तक मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट थी 320, अभी कितनी है? 230। इसको थोड़ा सा पलट दो, ये तो 3 पहले आ जाएगा और 2 बीच में चला जाएगा तो 320 हो जाएगा। तो याद रखना कि 1976 से लेकर 2000 जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हो गया उसके बीच मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीट्स थी उनकी संख्या थी 320। कितनी थी? 320। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है और जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो काफी सीट छत्तीसगढ़ के अंदर चली जाती हैं। तो यानी 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी सीट्स बचती हैं? 230 सीट्स बचती हैं। पूछा जा सकता है कि 2000 के पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या बताइए, तो 320। 2000 के बाद से लेकर के आज तक 230 है और आखिर ये कब तक रहेंगी 230 मालूम है? ये रहेंगी 2026 तक, 2026, 2023 चल रहा है, 2026 तक यथावत संख्या रहेगी, यानी 230 ही क्या रहेगी? इन सीट्स की जो है संख्या रहेगी। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद देखो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, ये तो 1996 में बन करके तैयार हुआ, उसके पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा मिंटो हॉल में लगती थी। कहां पर? क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के पहले यानी 1996 के पूर्व, 1996 के पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा कहां लगती थी? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा मिंटो हॉल में लगती थी। मिंटो हॉल में लगती थी। अब इस मिंटो हॉल की भी कहानी है, ठीक है। इस मिंटो हॉल की कहानी ये है कि आपको शायद पता होगा कि एक टाइम पर हमारे भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के ही नाम पर भारत के माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में मिंटो हॉल बनवाया गया था, ठीक है। ये बनवाया गया था 1909 में। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार 1909 में ही जब ये वायसराय हुआ करते थे, ये आने वाले थे अपनी पत्नी के साथ, लॉर्ड मिंटो अपनी पत्नी के साथ आने वाले थे भोपाल, है ना। और उस टाइम पर भोपाल में आपके जो शासन कर रहा था, है ना, उनका नाम था बेगम, नवाब सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, वहां की शासिका हुआ करती थी भोपाल की। उन्होंने सोचा कि भाई लॉर्ड मिंटो को ठहराने के लिए यहां कोई ऐसा प्रॉपर भवन तो है नहीं, एक काम करते हैं एक भवन बनाते हैं। यानी कहीं ना कहीं मिंटो हॉल का निर्माण किया गया था लॉर्ड मिंटो के जो है उनके सेवा सत्कार के लिए, उनको ठहरने के लिए, उनको ठहराने के लिए किया गया था। तो 1919 में जब ये आने वाले थे अपनी पत्नी के साथ, तो जो आपकी भोपाल की बेगम थी जिनका नाम था नवाब सुल्तान जहां बेगम, नवाब सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने सोचा भाई ठहराने के लिए तो कुछ है नहीं, है ना इनको, तो इन्होंने क्या किया 1909 में मिंटो हॉल का निर्माण करवाया। मिंटो हॉल का निर्माण करवाया और इस मिंटो हॉल का इनॉग्रेशन, है ना, इसका जो इनॉग्रेशन है वो लॉर्ड मिंटो ने ही किया था। लॉर्ड
लॉर्ड मिंटो ने ही इस मिंटो हॉल का क्या किया था, इनॉग्रेशन किया था। और फिर उसके बाद देखा गया कि भाई 1 नवंबर 1956 तक कि मतलब कहाँ लगाया जाए विधानसभा भवन, तो 1 नवंबर 1956 तक विधानसभा भवन यहीं लगता था, ठीक है, आपके मिंटो हॉल में ही लगता था। उसके बाद आपके 1981 में जो आज आप इंदिरा गांधी विधानसभा भवन देखते हो ना अरेरा हिल्स भोपाल में, 1981 में उसकी नींव रखी गई है ना, उसे बनवाया गया और काफी लंबा समय लगा उसे बनाने में, और 1996 में जाकर के वह इंदिरा गांधी विधानसभा भवन तैयार होता है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ये मिंटो हॉल जो है ना यहां पर 1956 तक, जब तक मध्य प्रदेश बन नहीं गया, विधानसभा यहीं लगती थी, विधानसभा यहीं लगती थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश बन जाता है उसके बाद विधानसभा कहां पर लगती थी, मध्य प्रदेश बनने के बाद भी विधानसभा यहीं लगती थी, मिंटो हॉल में ही लगती थी। लेकिन अब 1956 के बाद इस हॉल को मिंटो हॉल के नाम से नहीं बल्कि विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता था। 1956 से 1996 तक इसे विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? विधानसभा भवन के नाम से जानते थे, और यहां पर लगती थी। फिर 1981 में एक नए विधानसभा की, नए विधानसभा भवन की नींव रखी गई थी, और नींव को रखने वाले थे बलराम जाखड़ जी। तो बलराम जाखड़ ने एक नए भवन की क्या रखी, नींव, एक नए भवन की क्या रखी, नींव रखी। और ये जो भवन है ये बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया, कब, 1996 में जब ये बनकर रेडी हो गया, तब इसका जो उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन किया था उस टाइम के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिएगा, जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उनका नाम था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया, है ना। और इस भवन का नाम क्या रखा गया, इस भवन का नाम रखा गया इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। देखो पॉलिटी में स्पेशली लगभग चीजें याद करने वाली ही हैं, है ना, तो आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, फिर चाहे वो डेट हो चाहे किसी का नाम हो। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, जो कि जहां पर आज भी जो है विधानसभा लगती है मध्य प्रदेश की, अरेरा हिल्स में स्थित है। 1996 में बन करके ये रेडी हुई थी, बन करके तैयार हुई थी, 12 वर्षों का टाइम लगा था। और इसकी दीवारों पर आदिवासी चित्र उकेरे गए हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने चित्रकला के बारे में बताया था फर्स्ट यूनिट में, तो इसकी दीवारों पर जो आदिवासी चित्र है, आदिवासी जो चित्र हैं वो किसने उकेरे थे, जनगण श्याम ने उकेरे थे, जनगण श्याम, स्वर्गीय जनगण श्याम आप कह सकते हैं, अब ये नहीं है, इनके पुत्र और इनकी पत्नी अभी भी चित्रकला कर रही हैं, है ना, चित्र बनाते हैं, काफी अच्छे चित्र बनाते हैं। बाकी जनगण श्याम जी के द्वारा आदिवासी चित्र यहाँ पर उकेरे गए। हाँ, इस भवन के आर्किटेक्चर का नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन थे आर्किटेक्ट, कौन थे, है ना, इसके वास्तुकार कौन थे, विधानसभा भवन के, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे, तो उनका नाम है चार्ल्स कुरियन, चार्ल्स कुरियन। ऑप्शन में आपको चार्ल्स कोरिया भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो एक ही नाम है, चार्ल्स कुरियन या चार्ल्स कोरिया, ये कौन है, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा भवन है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, उसके आर्किटेक्ट है।
तो ये हो गई भाई विधानसभा मध्य प्रदेश की, और उसके बारे में कुछ इतिहास, जहां पर मैंने आपको बताया कि भाई मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है उसमें सिर्फ एक ही सदन है और वो है विधानसभा। मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल 230 सीट है, जहां पर अनुसूचित जाति के लिए 35 जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित की गई है। मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है। इसके बाद मैंने आपको बताया इसका इतिहास, है ना, जहां पर आपने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया, और मध्य प्रदेश में इसके लिए इलेक्शन 1937 में होते हैं। फिर आपने जाना 1956 में पहली बार विधानसभा के लिए गठन के लिए इलेक्शन होता है, है ना, 1957 में, और जब विधानसभा का गठन होता है उसके बाद ये भंग हो जाती है, दूसरी बार इलेक्शन होता है, और 1 अप्रैल 1957 को मध्य प्रदेश में दूसरी विधानसभा का गठन किया जाता है। 1976 से 2000 तक मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट की संख्या 320 थी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो फिर मध्य प्रदेश में जो सीट है उसकी संख्या 230 हो जाती है, जो कि 2026 तक रहेगी। उसके बाद 1996 के पहले मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो मिंटो हॉल में लगती थी। मिंटो हॉल जिसका निर्माण भोपाल की बेगम ने लॉर्ड मिंटो और उनकी पत्नी के ठहरने के लिए करवाया था, और लॉर्ड मिंटो के ही हाथों इसका उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन करवाया गया था। नवाब सुल्तान जहां बेगम ये पूछा जा सकता है। 1956 तक मिंटो हॉल के ही नाम से जाना जाता था और मध्य प्रदेश की विधानसभा वहीं पर लगती थी। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है तो अब इस मिंटो हॉल को विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है, और 1956 से 1996 तक 1996 तक अब यह विधानसभा भवन बन गया और यहां पर मध्य प्रदेश की विधानसभा लगती है। 1981 में एक नई विधानसभा की नींव रखी जाती है, भवन की नींव रखी जाती है बलराम जाखड़ जी के द्वारा। 12 वर्षों के निर्माण के बाद 1996 में इसका इनॉग्रेशन किया जाता है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा, और अब यह जो भवन है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। यहां पर इसके जो वास्तुकार है उनका नाम है चार्ल्स कुरियन, और जो आदिवासी चित्र बने हुए उनकी दीवारों पर वो बनाने का काम किया है स्वर्गीय जनगढ़ श्याम ने। तो ये विधानसभा का इतिहास है, आप एक एक लाइन इसकी याद कर लीजिएगा। अब आ जाओ यहां पर विधानसभा अध्यक्षों के नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आप देखोगे कि क्या होता है कि चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन ऐसे रखे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है, उनमें से तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष थे, और चौथा ऐसा दिया जाएगा जो कि नहीं थे। तो ये आपको तभी बन पाएगा जब आप ये पूरी लिस्ट याद करोगे। देखो, जब मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ोगे तो विधानसभा अध्यक्ष को याद करना पड़ेगा आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को याद करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को याद करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को याद करना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आपको उनके नाम भी याद करने पड़ेंगे। तो ये कुछ 4-5 लिस्ट ना बिल्कुल आप जो है अभी से याद रखिएगा कि आपको एग्जाम के पहले ये 5 लिस्ट कंप्लीट करनी है एनी हाउ, और करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल यहां पर विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश के जो पहले विधानसभा अध्यक्ष, अब इनके बारे में तो कई बार पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के जो पहले विधानसभा अध्यक्ष है उनका नाम है पंडित कुंजी लाल दुबे। इनके बारे में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधान सभा अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित कुंजी लाल दुबे थे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पंडित कुंजी लाल दुबे को विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो विधि पुरुष कौन थे, या विधि पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, पंडित कुंजी लाल दुबे जी को दी जाती है, और ये मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर मिलेगा। 1956 से लेकर के 1967 तक ये मध्य प्रदेश के विधानसभा के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। इनके बाद 1967 में आते हैं काशी प्रसाद पांडे। अगर आपने सिर्फ नाम भी याद कर लिया ना तो यकीन मानो एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। काशी प्रसाद पांडे 1967 से 72 तक रहते हैं, और फिर 1972 में कुछ समय के लिए आते हैं तेज लाल टेम्भरे। आप चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
1972 में बस कुछ समय तक ये अध्यक्षता संभालते हैं और उसके बाद आ जाते हैं गुलशेर अहमद जो कि 1972 में आते हैं और 1977 तक ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं। 1977 में आते हैं मुकुंद नेवालकर। मुकुंद नेवालकर जी 1977 से लेकर के 1980 तक ये विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं और 1980 में आ जाते हैं यज्ञदत्त शर्मा। 1980 से 1983 तक रहते हैं और 1984 में आ जाते हैं रामकिशोर शुक्ल जी। पूरे नाम आपको याद रखने हैं, है ना? फिर मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं था। रामकिशोर शुक्ल जी के बाद आते हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है, 1985 से 1990 तक रहते हैं और फिर 1990 में विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं ब्रजमोहन मिश्र जी। ब्रजमोहन मिश्र जी 1990 से लेकर के 1993 तक रहते हैं और 1993 में श्रीनिवास तिवारी को मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। श्रीनिवास तिवारी जिसे विंध्य का शेर कहते हैं, व्हाइट टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीनिवास तिवारी को विंध्य का शेर कहा जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 2003 तक रहते हैं, 10 सालों तक रहते हैं और फिर 2003 में आ जाते हैं ईश्वरदास रोहाणी और ये मध्य प्रदेश के विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं। और ईश्वरदास रोहाणी मध्य प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु इनके पद पर ही हो गई थी, यानी इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है, पद पर इनकी मृत्यु हो जाती है। 2013 तक ये अध्यक्षता संभालते हैं और फिर 2014 में सीता शरण शर्मा जी मध्य प्रदेश विधानसभा के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। और फिर 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार आती है तो एनपी प्रजापति नर्मदा प्रसाद प्रजापति मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं जो कि 2020 तक रहते हैं। और फिर 2021 में, शायद आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, 2021 में एक नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं जो कि विंध्य से थे और इनका नाम है गिरीश गौतम। गिरीश गौतम यानी आज के टाइम पर वर्तमान में ये 2021 में बनते हैं और आज के टाइम पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है गिरीश गौतम जी। आपका जब भी एग्जाम हो, है ना, तो अब जरूरी नहीं है कि आज गिरीश गौतम है तो जब आप एग्जाम देने जाओ तो यही हो सकता है चेंज हो जाए, तो अपडेट करके जाइएगा। आज के टाइम पर जब आपके पास ये वीडियो जाएगा तो गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। तो ये कुछ आपकी जो सामने लिस्ट दिख रही है ना, ये लिस्ट आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। अब बताओ, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, ऑप्शन नंबर ए यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन नंबर बी ब्रिजमोहन मिश्र, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास तिवारी और ऑप्शन नंबर डी एन डी ओझा, कौन नहीं थे? अब आपको ये लिस्ट पता है, लिस्ट आपने याद कर लिया तो अब आपको याद रहेगा भाई एन डी ओझा नहीं थे और आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको सिर्फ एक लिस्ट याद करनी है ना, जो कि आपके वश में है, वो आप जरूर करके जाइएगा। तो ये हो गई विंध्य यानी विधानसभा अध्यक्ष की बात, स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली। अब आ जाते हैं अगले अपने टॉपिक पर और बात करेंगे अब हम मध्य प्रदेश में राज्यपाल की, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आपने देखा कि विधानमंडल राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बना होता है, दो सदनों में एक विधान परिषद और दूसरी है विधानसभा। मध्य प्रदेश में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है इसलिए हमने मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ विधानसभा के बारे में पढ़ा है, लेकिन विधानमंडल के अंदर एक और नाम आता है, वो है राज्यपाल का, गवर्नर का, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, तो भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राज्यपाल में निहित होती है। हालांकि राज्यपाल जो है उसके पास नाम मात्र की ही शक्ति रहती है। जैसे केंद्र स्तर पर देखोगे तो राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां रहती हैं, उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास भी नाम मात्र की शक्तियां रहती हैं, है ना। लेकिन राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में क्या होती है? निहित होती है। उसके बाद अनुच्छेद 154 कहता है
है ना, आर्टिकल 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वही चीज है कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो किसके पास होगी, वो राज्यपाल के पास होगी, गवर्नर के पास होगी, और यही क्या होगा, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखो यहां पर हम देखते हैं, जब हम सीएम की बात करेंगे या एमएलएस की बात करेंगे, इनके लिए विधानसभा सदस्यों की बात करेंगे, इनके लिए निर्वाचन होता है, इनके लिए इलेक्शन होता है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति की बात, माफ कीजिएगा, राज्यपाल की बात करेंगे, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा, जैसे मध्य प्रदेश में जो भी राज्यपाल है, उनकी नियुक्ति किसने की होगी? भारत के राष्ट्रपति ने की होगी। और कोई भी राज्यपाल एक बार में एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है। जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश में आज जो राज्यपाल हैं वो किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल उसी टाइम पर नहीं रह सकते, तो बिल्कुल रह सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जो यूपी के राज्यपाल हैं उन्होंने मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, उनका आवास भोपाल में स्थित है और उनके आवास को राजभवन के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कहाँ निवास करते हैं? तो ये निवास करते हैं राजभवन, जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश गवर्नर्स रेजिडेंस इज राजभवन भोपाल, है ना। इनका जो कार्यकाल है, राज्यपाल का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 5 years का होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि 5 वर्ष से पहले ये मतलब पद पर बने रहे, जरूरी नहीं है। पद पर, पद से ये हट भी सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मानक अगर देखें संविधान के अकॉर्डिंग, 5 साल का इनका क्या होता है, टेन्योर या कार्यकाल होता है, है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब हम एक एक करके बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपालों की, है ना। अभी तक विधानसभा अध्यक्ष में मैंने आपको सिर्फ एक लिस्ट बताई, यहां पर आपको लिस्ट तो याद करनी ही करनी है, प्लस के राज्यपालों के विषय में, मध्य प्रदेश के जितने राज्यपाल रहे उनके विषय में क्या क्या खास बातें हैं आपको वो भी पढ़नी होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने कहा कि बस इस वन शॉट में मैक्सिमम जितना हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, कि कम समय है अगर आपके पास एग्जाम के लिए, तो आपके पास जो है मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाए, है ना। चलो सबसे पहले राज्यपालों की जब बात आएगी, तो मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल हैं उनका नाम है बी पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के पहले स्पीकर कौन है विधानसभा के? आप बताओगे मैम पंडित कुंजीलाल दुबे, जिन्हें विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कौन है? बी पट्टाभी सीतारमैया। तो पहला फैक्ट तो यही है कि बी पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। उसी तरह से जब हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, तो आप जानोगे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, और राज्यपाल कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। इसके अलावा इनका जो जन्म है, थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, राजनीति से जुड़े रहे ये, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे थे, लेकिन इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। अब पहले राज्यपाल हैं तो इनका जन्म पूछा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं हुआ इसलिए कंफ्यूज करने के लिए। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके अलावा जो बी पट्टाभी सीतारमैया जी थे, ये महात्मा गांधी के बहुत करीबी भी थे, है ना, महात्मा गांधी के ये करीबी भी थे। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में, तो ये सैनिक बन गए थे। तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था।
इन्होंने भाग लिया था। फिर 1939 में जो त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, जिसे हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए जब इलेक्शन हो रहे थे, उस इलेक्शन में एक ओर सुभाष चंद्र बोस जी थे और दूसरी ओर भी पट्टा भी सीतारमैया, है ना। महात्मा गांधी चाहते थे कि उसकी अध्यक्षता भी पट्टा भी सीतारमैया ही करें, और इसी वजह से मतलब एक डिस्प्यूट जैसा वहां पर हमें दिखाई पड़ता है, उसे हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। बहरहाल डॉक्टर बी पट्टा भी सीतारमैया जी ने जयपुर अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जयपुर में 1948 में, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष रहे थे, है ना। ये फर्स्ट गवर्नर है मध्य प्रदेश के, इसलिए इनके विषय में जो छोटे छोटे क्लू फैक्ट हैं वो भी जरूरी है। तो पहले कांग्रेस की, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1948 में की थी। कब की थी? 1948 में। और ये हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था आपके जयपुर में। फिर देखो 1952 में ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे, और उसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश का जब गठन होता है तब ये उस टाइम पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, तो इन्हें मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर माना जाता है। तो 1956 में ये राज्यपाल थे, इसी वजह से इन्हें मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर भी कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है, किसके विषय में? डॉक्टर बी पट्टा भी सीतारमैया जी के विषय में, है ना। फिर आ जाते हैं हरि विनायक पाटस्कर जी के बारे में। देखो बी पट्टा भी सीतारमैया कब से कब तक थे? तो 1956 से लेकर, हम चूंकि गठन की बात कर रहे हैं ना, तो 1956 से लेकर 1956 से लेकर के 1957 तक थे, जुलाई 13 जुलाई तक, जो है 13 जुलाई 1957 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। फिर 1957 में आ जाते हैं हरि विनायक पाटस्कर, यानी मध्य प्रदेश के जो दूसरे राज्यपाल है उनका नाम क्या था? हरि विनायक पाटस्कर। और 1957 से लेकर के 1965 तक ये एमपी के गवर्नर रहते हैं। अब एक क्वेश्चन, कई बार ना बहुत छोटे छोटे जो है उनके फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे हरि विनायक पाटस्कर जी ना पेशे से एक लॉयर थे, ये एक वकील थे, तो पूछा जा सकता है, है ना। तो ये क्या थे? पेशे से लॉयर थे, पेशे से क्या थे? ये वकील थे। और इन्होंने बंबई हाई कोर्ट में भी काम किया है, बंबई हाई कोर्ट के अलावा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी काम किया है। तो बंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लॉयर रहे, एडवोकेट रहे, एडवोकेट रहे। और जब विधानसभा का गठन होता है तो ये विधानसभा के मेंबर भी बनते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जो है, या कौन से राज्यपाल है मध्य प्रदेश के जो कि विधानसभा सदस्य रहे? इनके अलावा भी कुछ राज्यपाल रहे थे, लेकिन अगर उनमें चार में से इनका एक ऑप्शन, इनका एक नाम आता है तो इनके नाम पर आपको जाना है। तो ये संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर बनते हैं, संविधान सभा के, संविधान सभा के क्या बनते हैं? ये सदस्य बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक समिति बनाई गई थी, महाराष्ट्र मैसूर सीमा समिति बनाई गई थी। महाराष्ट्र मैसूर सीमा को लेकर के एक विवाद हुआ था, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति में भी ये थे, ठीक है। उस समिति के भी ये क्या बनाए गए? आपके सदस्य बनाए गए थे। महाराष्ट्र मैसूर सीमा समिति के सदस्य भी बनाए गए, ठीक है। तो ये हो गए हरि विनायक पाटस्कर। देखो छोटे छोटे फैक्ट बता रही हूं, लेकिन यकीन मानो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पिछले कुछ सालों से देखा गया है
कि पॉलिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो 1965 तक रहते हैं हरि विनायक पाटसकर जी, फिर वापस से 1965 में मध्य प्रदेश के एक नए गवर्नर बनाए जाते हैं जिनका नाम था केसी रेड्डी। 1965 में ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं। 1965 से लेकर के 1966 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं, ठीक है। फिर एक बार वापस से ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए जाते हैं, कब, 1966 में ही कुछ मंथ के बाद, और ये 1967 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर बने रहते हैं। आ गई बात समझ में। और इनका नाम है केसी रेड्डी। केसी रेड्डी एक ऐसे मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं जो कि कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री भी थे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के उस गवर्नर का नाम बताइए जो कि कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। तो नाम है केसी रेड्डी। तो ये कर्नाटक के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, कर्नाटक के क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा जिस तरह से हरि विनायक पाटसकर जी संविधान सभा के सदस्य थे, उसी तरह से केसी रेड्डी जी को भी संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा के क्या थे, ये भी सदस्य थे। बाकी कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप भूलिएगा मत। केसी रेड्डी कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए। इसके अलावा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी ये संस्थापक रहे हैं। स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक, मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक थे, तो आपका आंसर हो जाएगा केसी रेड्डी जी, ठीक है। 1967 तक केसी रेड्डी जी मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। और चूंकि देखो 1965 से 66 तक रहे, उसके बाद में कुछ गैप किया और उसके बाद फिर से ये बनाए गए, तो बीच में जो गैप आया है उस गैप में एक मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल ने जो है यहाँ पर काम संभाला है, कार्यभार संभाला था। तो ये जो आपका गैप बचता है ना, कब से कब तक का, ये भी मैं आपको बता देती हूं, बस कुछ ही दिनों का है ना। 3 फरवरी 1966 से लेकर 9 फरवरी 1966, बस कुछ ही दिनों तक एक कार्यकारी राज्यपाल ने मध्य प्रदेश में राज्यपाल का कार्यभार संभाला, फिर वापस से केसी रेड्डी जी जो है राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाते हैं। और जो मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे उनका नाम था न्यायाधीश पीवी दीक्षित जी। हाँ, न्यायाधीश थे, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के देखिए 3-4 ऐसे राज्यपाल रहे जो कि मध्य प्रदेश में कार्यकारी राज्यपाल थे, ठीक है। पूछा जा चुका है यहां से क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के, मतलब निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल नहीं थे, तो 3-4 जो है ना वो आप याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर पहले पूछे जाए तो मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल का नाम है न्यायाधीश पीवी दीक्षित। क्या नाम है? न्यायाधीश पीवी दीक्षित। तो एमपी के पहले कार्यकारी गवर्नर, कार्यकारी गवर्नर न्यायाधीश लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या थे, न्यायाधीश थे। कहां के? हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहले कार्यकारी राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन बनते हैं? ये बनते हैं न्यायाधीश पीवी दीक्षित, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, सबसे कम समय के राज्यपाल भी ये माने जाते हैं। देखो बस कुछ ही दिन ये रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, तो याद रखिएगा कार्यकारी थे और सबसे कम समय के गवर्नर भी थे ये एमपी के, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अगले
कौन थे 1967 में, देखो केसी रेड्डी जी बने, फिर 6 दिन के लिए आपके न्यायाधीश पीवी दीक्षित बनते हैं, फिर वापस से केसी रेड्डी बनते हैं, कब से कब तक के लिए, 1966 से 1967 तक के लिए, है ना। फिर अगले जो आपके राज्यपाल बनाए जाते, एक सेकेंड 1971 आप करेक्ट कर लीजिएगा, 1971 तक के लिए बनते हैं ये, 1971 तक के लिए, है ना, 1971 के लिए। फिर 1971 में एक नए गवर्नर बनाए जाते हैं जिनका नाम था सत्यनारायण सिन्हा, है ना, एस एन सिन्हा भी इन्हें बोला जाता है। तो सत्यनारायण सिन्हा 1971 में बनते हैं और 1977 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं, 1971 में बनते हैं, 1977 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं, और ये बेसिकली बिहार राज्य से थे, बिहार राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक क्या थे, ये पॉलिटिशियन थे, बिहार से इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। तो बेसिकली थे कहां से, बेसिकली ये आपके बिहार राज्य से। फिर नेक्स्ट है, अगले आते हैं 1977 में जिनका नाम था निरंजन नाथ वांचू, इन्हें एनएन वांचू भी कहा जाता है, 1977 में आते हैं और 1978 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं, निरंजन नाथ वांचू 1977 में आते हैं और 1978 तक ये कहां, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। बेसिकली ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे, ये एक ऑफिसर थे, और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सतना जिले में, जन्म हुआ था सतना जिले में, और ये थे क्या, तो ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, और मध्य प्रदेश के 1977 में गवर्नर बनाए जाते हैं, और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि ये केरल राज्य के भी गवर्नर बनाए जाते हैं 1973 में, 1973 से लेकर के 77 तक ये केरल के गवर्नर थे, और फिर 1977 में इन्हें एमपी का गवर्नर बनाया जाता है, 1973 में केरल के गवर्नर थे, केरल के गवर्नर थे। तो ये हो गए आपके निरंजन नाथ वांचू। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इस टॉपिक के अंदर, यानी पॉलिटी वाले टॉपिक के अंदर, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, फिर चाहे वो लिस्ट हो या किसी गवर्नर या सीएम के विषय से जुड़ा हुआ कोई भी यहाँ पर फैक्ट हो, ठीक है। निरंजन नाथ वांचू के बाद 1978 में आ जाते हैं सी एम पुनाचा 78 में आते हैं, 1978 में आते हैं और 1980 तक के मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं, मध्य प्रदेश के क्या रहते हैं, राज्यपाल रहते हैं। इसके अलावा जो सीएम पुनाचा थे, ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, प्लस ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे हैं। एक एक फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ, है ना, मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो थे ही, ये ओडिशा के राज्यपाल भी बने, मध्य प्रदेश के ये एक ऐसे गवर्नर थे जो कि, हालांकि एक और गवर्नर का नाम पढ़ोगे जो कि ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों के गवर्नर भी रहे थे, लेकिन सीएम पुनाचा उनमें से एक हैं जो कि ओडिशा के भी गवर्नर रहे थे। फिर आ जाते हैं 1980 में भगवत दयाल शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा जी 1980 में आते हैं, है ना, और 81 तक रहते हैं, 1980 में आते हैं, 1981 तक रहते हैं, और 1981 के बाद से वापस से ये कुछ समय के लिए हट जाते हैं, और 1981 में ये वापस से कुछ मंथ के बाद ही ये वापस से बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल।
1981 में वापस से बनाए जाते हैं और फिर 1984 तक के मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। तो अभी आपने इसके पहले भी पढ़ा और अब दूसरे ये ऐसे राज्यपाल हैं जो कि दो बार जो है राज्यपाल मध्य प्रदेश के बनते हैं, बीच में कुछ टाइम के लिए हट गए और इनके स्थान पर वापस एक कार्यकारी राज्यपाल ने कार्यभार संभाला था जिनका नाम था न्यायाधीश जीपी सिंह, है ना। अब यहां पर देखो भगवत दयाल शर्मा जी के विषय में पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जिस तरह से केसी रेड्डी कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे उसी प्रकार से याद रखना है कि भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे आपके भगवत दयाल शर्मा जी और दूसरी चीज यह भी उड़ीसा के राज्यपाल रहे। ये उड़ीसा आज का है और ये मैंने जो लिखा है ना ऐसे पहले लिखा जाता था, ऐसा अभी लिखा जाता है। अभी वाला मैं यहां पर आपको बता देती हूँ, उड़ीसा। तो उड़ीसा के एक तो ये रहे सीएम पुनाचा और दूसरे थे कौन, भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, तो उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा और ओडिशा के ये क्या थे, गवर्नर भी थे, है ना। अब यहां पर देखो जो बीच में खाली समय बचा तो कुछ समय के लिए वापस एक कार्यकारी राज्यपाल आते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। देखो पहले पहले कार्यकारी राज्यपाल कौन थे, आपने देखा न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित पहले कार्यकारी राज्यपाल थे। दूसरी बार कब आते हैं, भगवत दयाल शर्मा जी के टाइम पर आते हैं और मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यकारी राज्यपाल का नाम था न्यायाधीश जीपी सिंह, न्यायाधीश गुरु प्रसन्न सिंह, है ना। हालांकि ये भी दो बार बनते हैं, एक बार 1981 में बनते हैं, एक बार 1983 में बनते हैं। और देखो पहली बार ये जब बने थे तो 26/5/1981 में इन्होंने कार्यभार संभाला फर्स्ट टाइम, भाई भगवत दयाल शर्मा जी जब अब्सेंट रहे तो 26/5/1981 में इन्होंने कार्यभार संभाला और 9 जुलाई 1981 तक ये पहली बार मध्य प्रदेश के कार्यकारी न्यायाधीश बने और फिर दूसरी बार ये 1983 में फिर से आते हैं। 1983 में ये वापस से आते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर यानी दो बार ये बैक टू बैक नहीं, ये पहले भगवत दयाल शर्मा जी, उसके बाद न्यायाधीश गुरु प्रसन्न सिंह जी, फिर उसके बाद भगवत दयाल शर्मा जी और फिर ये आते हैं, है ना। तो इस तरह से ये दो बार मध्य प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल रहे, न्यायाधीश लिखा है समझ जाइए कार्यकारी है। मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यकारी गवर्नर, अब इनके भी नाम में न्यायाधीश लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये भी क्या होंगे, न्यायाधीश ही होंगे, है ना। तो अब लिखने की कोई जरूरत है नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं जिनका नाम था के एम चांडी जी। के एम चांडी 1984 में बनते हैं और पहली बार, दो बार बनते हैं ये, पहली बार 1984 में बनते हैं और 1987 तक रहते हैं। 1984 में बनते हैं, 1987 तक रहते हैं और फिर 1987 में कुछ टाइम के बाद वापस से बनते हैं और 1989 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं जिनका नाम था के एम चांडी। आ गई बात समझ में, के एम चांडी राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ पौंडीचेरी के उपराज्यपाल का भी पद इन्होंने संभाला था। तो पौंडीचेरी के डिप्टी गवर्नर, पौंडीचेरी के उप राज्यपाल भी रहे। देखो ये कंटेंट जो मैं दे रही हूं ना, ये कंटेंट आपको शायद ही, मतलब बहुत मेहनत करके ये कंटेंट रेडी किया गया है और बहुत मुश्किल से आपको ये कंटेंट कहीं मिलेगा। तो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं ना, आपके पहले हम मेहनत करते हैं उसके लिए, तो आपको कंटेंट ढूंढने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ कंटेंट को पढ़ना है और याद करना है, उसके पहले का पूरा काम हमने कर दिया है। पौंडीचेरी के ये उपराज्यपाल रहे और साथ ही साथ गुजरात के भी गवर्नर बनते हैं।
तो केएम चांडी मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर हुए जो कि पौंडीचेरी के उपराज्यपाल भी थे और साथ ही साथ गुजरात के भी गवर्नर थे। पहली बार 1984 में मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं और 1987 तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। 1987 में वापस से बनते हैं और 1989 में जो है ये 89 तक अपना पद ग्रहण करते हैं। देखो यहाँ पर फिर से जो है बीच में कुछ टाइम के लिए पद खाली हो जाएगा, है ना। जब पद खाली हो जाएगा तो फिर से एक कार्यकारी राज्यपाल आएंगे और जो वापस से कार्यकारी राज्यपाल आते हैं, है ना, केएम चांडी रहते हैं, फिर उसके बाद एक कार्यकारी राज्यपाल पद संभालते हैं, उनका नाम था न्यायमूर्ति एनडी ओझा, और फिर एनडी ओझा के बाद केएम चांडी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ, जो अगले कार्यकारी राज्यपाल बनते हैं मध्य देश के, उनका नाम था न्यायाधीश एनडी ओझा, और ये बनते हैं 1/12/1987 से 1/12 यानी दिसंबर 1987 से, है ना, ये इनका जो है कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है और ये रहते हैं 29 दिसंबर 1987 तक, है ना, 29 दिसंबर 1987 तक रहते हैं और ये भी क्या थे, मध्य प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल थे। कार्यकारी, अभी तक तीन कार्यकारी राज्यपालों के नाम आपने पढ़े, जहां पर सबसे पहले थे पीवी दीक्षित जी, है ना, उसके बाद आपने पढ़े न्यायमूर्ति जीपी सिंह जी, फिर न्यायाधीश एनडी ओझा, तीन आपने पढ़ लिए हैं। फिर इनके पहले केएम चांडी थे, है ना, इनके बाद फिर से केएम चांडी आते हैं और केएम चांडी 1989 तक राज्यपाल रहते हैं और 1989 में एक मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बनाए जाते हैं जिनका नाम था सरला ग्रेवाल। 1989 से लेकर 1990 तक सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की गवर्नर रही और सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनती हैं। अभी तक आपने जितने नाम पढ़े सारे पुरुषों के नाम थे, महिलाओं में पहला नाम आता है सरला ग्रेवाल का। तो मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी श्रीमती सरला ग्रेवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1989 से लेकर के 1990 तक ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनती हैं। उसके पहले 1952 में ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करती हैं, है ना, ये भी एक जो है सिविल सेवा में जाने वाली भारत की दूसरी महिला थी, है ना, भारत की दूसरी महिला थी सिविल सेवा में जाने वाली। तो प्रशासनिक सेवा में जाने वाली, प्रशासनिक सेवा में जाने वाली देश की दूसरी महिला, मध्य प्रदेश की पहली थी दूसरी महिला, ठीक है, हालांकि वो मैं अलग से बताऊंगी आपको। और इसके अलावा चूंकि सिविल सर्विसेज से जुड़ी रही, प्रशासनिक सेवा से जुड़ी रही, तो ये बाद में सचिव भी बनाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ ये प्रधानमंत्री की सचिव भी नियुक्त की जाती हैं 1985 में, प्रधानमंत्री की सचिव बनाई जाती हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आई होप यहाँ पर आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल, 1990 तक सरला ग्रेवाल रहती हैं और 1990 में कुंवर महमूद अली खां बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल 1990 में, और ये रहते हैं 1993 तक, 1990 में बनाए जाते हैं, 1993 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं, है ना। इनका जन्म मेरठ में हुआ था और यूपी, चूंकि यूपी से संबंध रखते हैं, तो यूपी पीसीएस जो है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके 6 साल के लिए सदस्य बनते हैं। तो यूपी पीसीएस के सदस्य बनते हैं, ये सदस्य रहे
छह वर्षों तक, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 1990 से लेकर 93 तक राज्यपाल का पद संभाला, और फिर 1993 में मध्य प्रदेश के एक नए राज्यपाल आते हैं जिनका नाम था मोहम्मद शफी कुरैसी, है ना। 1993 में बनते हैं और 1998 तक मोहम्मद शफी कुरैसी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। शफी कुरैसी की बात करें तो ये एक कश्मीरी राजनेता थे और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के संस्थापक भी यही थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के संस्थापक थे, है ना। कश्मीरी राजनेता थे एक प्रकार से, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बनते हैं, और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये बिहार राज्य के भी राज्यपाल बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के साथ साथ ये बिहार के भी गवर्नर रहे। A to Z आपको यहां पर याद ही करनी पड़ेंगी चीजें, है ना, सारी ही चीजें। फिर ये हो गए आपके मोहम्मद शफी कुरैसी जी। फिर आ जाते हैं भाई महावीर। भाई महावीर जी जो है 1998 में ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं, और इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट याद रखना है आपको कि भाई महावीर जी आर्य समाज से जुड़े रहे, है ना। किससे जुड़े रहे थे? आर्य समाज से ये जुड़े रहे थे। स्टडी भी इन्होंने उसी स्कूल में की थी, और 1998 में ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाते हैं, और 2003 तक 2003 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। दो बार राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, दो बार ये क्या बनते हैं? राज्यसभा सदस्य बनते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आर्य समाज से जुड़े हुए, उसी पृष्ठभूमि से जो है ये पले बढ़े थे, और लाहौर में है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, वहीं से इन्होंने पढ़ाई करी है, वहीं से इन्होंने पढ़ाई करी है, उसी पृष्ठभूमि में ये पले बड़े थे। तो 2003 तक भाई महावीर जी मध्य प्रदेश के क्या रहे? राज्यपाल रहे। और फिर 2003 में आ जाते हैं राम प्रकाश गुप्ता जी, 2003 में आ जाते हैं, और ये 2004 तक जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। नाम क्या था? राम प्रकाश गुप्ता जी। ये एक ऐसे जो है राम प्रकाश गुप्ता जी ऐसे राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ये यूपी के सीएम भी रहे थे, यूपी के सीएम भी थे। झांसी में इनका जन्म हुआ था और पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी, पद पर रहते हुए ही राम प्रकाश गुप्ता जी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और जब डेथ हो गई, है ना, तो 2004 में एक नए राज्यपाल बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के जिनका नाम था श्री कृष्ण मोहन सेठी। श्री कृष्ण मोहन सेठी 2004 में बनते हैं, ये आपके मई में बनते हैं और जून तक रहते हैं। 2004 में ही रहे सिर्फ ये एक महीने के लिए कृष्ण मोहन सेठी जी बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। किसके बाद? राम प्रकाश गुप्ता जी के बाद, जब इनकी डेथ हो जाती है, और एक तरह से चूंकि डेथ हो गई थी ना, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने पद संभाला था। तो चार कार्यवाहक राज्यपालों के नाम आपने पढ़े। पहला पीवी दीक्षित, न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित पहले राज्यपाल थे जो कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे पहले, है ना। दूसरा नाम आपने पढ़ा जीपी सिंह पढ़ा, गुरु प्रसन्न सिंह। तीसरा नाम आपने एनडी ओझा का पढ़ा, और चौथे कार्यवाहक राज्यपाल थे श्री कृष्ण मोहन सेठी, जिन्हें KM सेठी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल में, 2004 में बनाए जाते हैं, जिनका नाम था बलराम जाखड़। है ना, बलराम जाखड़ जी मध्य प्रदेश के जो ऐसे राज्यपाल 2004 में बनाए जाते हैं, 2009 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं।
रहते हैं 2009 तक। मध्य प्रदेश के ये एक ऐसे राज्यपाल हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में राज्यपाल का भी इन्होंने पद संभाला और इनका जन्म हुआ था पंजाब में। जन्म हुआ था इनका पंजाब में, ठीक है। 2009 तक इन्होंने जो है राज्यपाल का पद संभाला और 2009 में रामेश्वर ठाकुर मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाते हैं। 2009 में बनते हैं, 2011 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने रहते हैं, 9 से 11 तक। अगर हम बात करें रामेश्वर ठाकुर जी की, तो पेशे से ये एक सीए थे। अभी तक आपने पेशे से वकील देखे, राजनीतिज्ञ देखे, लेकिन पेशे से ये एक सीए थे, है ना, सीए थे। और इसके अलावा आपके रामेश्वर ठाकुर जी मध्य प्रदेश के तो थे ही थे, ये आपके ओडिशा के भी राज्यपाल थे। ओडिशा के बाद ये आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल बनते हैं, कर्नाटक के भी राज्यपाल बनते हैं, है ना। तो ये मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों के क्या थे, राज्यपाल थे। चार राज्यों का राज्यपाल का पद संभाला है इन्होंने, है ना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फिर लास्ट में हालांकि मध्य प्रदेश के ही रहे, 2004 से 6 तक उड़ीसा के, 6 से 7 तक आंध्र प्रदेश, 7 से 9 तक ये थे कर्नाटक के, और फिर 9 से 11 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। फिर इनके बाद आ जाते हैं राम नरेश यादव जी। राम नरेश यादव जी 2011 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं और 2016 तक जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने रहते हैं। और जैसे ही ये राज्यपाल का पद से हटते हैं, राज्यपाल के पद से मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे ये, वैसे ही इनकी डेथ हो जाती है, है ना। और ये उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे यूपी के, पूर्व सीएम भी थे ये, और पद से हटते ही इनकी डेथ हो जाती है। पद से हटते ही इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर राम नरेश यादव जी के बाद अगले जो आपके राज्यपाल आते हैं मध्य प्रदेश में 2016 में, उनका नाम था ओपी कोहली। 2016 में आते हैं, 2018 तक रहते हैं, 2018 तक रहते हैं, और ये भी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे। ये भी क्या थे, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये जो है गुजरात के राज्यपाल भी बनते हैं, और जब गुजरात चूंकि कार्यवाहक थे, अतिरिक्त प्रभार यानी कि इनको दिया गया था उस टाइम पर, ये गुजरात के राज्यपाल थे। बेसिकली गुजरात के गवर्नर थे और एमपी में अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया था। फिर इसके बाद आती है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल, दूसरी महिला राज्यपाल थी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 2018 में मध्य प्रदेश की गवर्नर बनती हैं और 2019 तक ये मध्य प्रदेश की गवर्नर रहती हैं। आनंदीबेन पटेल का संबंध गुजरात से है और ये गुजरात की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनती हैं, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आनंदीबेन पटेल थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, जिस समय ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल थी उसी समय ये उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश में भी क्या थी, ये गवर्नर थी जिस वक्त ये मध्य प्रदेश में गवर्नर का पद संभाल रही थी। इसके साथ साथ गुजरात की राजनीति में इन्हें लौह महिला के नाम से भी जानते हैं।
लौह महिला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गुजरात की पहली महिला महिला मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल, जिनका नाम था श्रीमती आनंदीबेन पटेल, गुजरात से ही संबंध रखती हैं ये। अब इनके बाद जो अगले मध्य प्रदेश के गवर्नर आते हैं 2019 में, उनका नाम था श्री लालजी टंडन, है ना। श्री लालजी टंडन जो है ये 2019 से लेकर के 2020 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। लगभग एक साल तक ये क्या रहते हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। मूल रूप से इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश के क्या है ये, एक प्रकार से राजनीतिज्ञ हैं। साथ ही साथ बिहार से भी संबंध रखते हैं, क्योंकि 2018 में ये बिहार के राज्यपाल बने थे। 2018 में बिहार के राज्यपाल रहे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे जुड़ा हुआ, वो ये है, अभी तक आपने जितने गवर्नर देखे हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी गवर्नर में सबसे अधिक एज, सबसे अधिक उम्र लालजी टंडन की ही थी। तो सबसे अधिक जो है उम्र वाले जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, है ना, सबसे अधिक उम्र में कौन बनते हैं राज्यपाल, लालजी टंडन। लालजी टंडन, ठीक है। तो 2020 तक लालजी टंडन जी रहते हैं। फिर 2021 में मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल बनाए जाते हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, 2021 में बनते हैं। और आज तक ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वर्तमान, यानी कि वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। बेसिकली ये भी गुजरात से ही संबंध रखते हैं, ये भी गुजरात के क्या है, नेता है, ये भी गुजरात के ही क्या है, नेता है, है ना। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में राज्यपाल के बारे में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बता दिए, सिर्फ और सिर्फ याद करने जैसा ही है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आपको नोट्स भी दे दी जाएगी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। या आप अगर खुद की नोट्स बना रहे हैं तो उससे अच्छा कोई कुछ बात ही नहीं है। आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन या तो केवल लिस्ट याद कर लेंगे, वहां से भी एक आध क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर उनके बारे में थोड़ा अंदर जाकर पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने मेहनत करके जब ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप इस कॉन्टेंट को अच्छे से पढ़ लें। तो विधानसभा पढ़ लिया आपने, मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में पढ़ लिया आपने। अब चलो आते हैं अपने अगले टॉपिक में, है ना, बस देख लेते हैं शॉर्ट में कि भाई संसद में मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है। संसद जिसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो एमपी इन पार्लियामेंट, है ना, संसद में मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो चूंकि संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट है, 11 सीट है, और मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 29 सीटें हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपने पहले ही पढ़ लिया 230, ठीक है। तो राज्यसभा सीट कितनी है मध्य प्रदेश में, 11, यानी यहां पर लोकसभा सीट कितनी है, 29, यानी कि 29 सांसद है मध्य प्रदेश में। 29 में से 19 सीट रिजर्व है, रिजर्व नहीं है मतलब जनरल के लिए है 19 सीटें, और 4 सीटें यहां पर एससी के लिए रिजर्व है, 6 सीट यहां पर एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो टोटल है यहां पर 29 सीटें, और ये है संसद में मध्य प्रदेश की पोजीशन। आ गई बात समझ में। अब चलो आगे आ जाते हैं, है ना, अगले टॉपिक की बात करते हैं। और अगला टॉपिक है भाई मध्य प्रदेश में कार्यपालिका। आपने मध्य प्रदेश में विधायिका के बारे में देख लिया, अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव इन मध्य प्रदेश। आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो है राज्यपाल, है ना,
नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है राज्यपाल, जैसे केंद्र स्तर पर आप देखेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री की। उसी तरह से आप जब स्टेट्स में आएंगे तो नाम मात्र की कार्यपालिका है राज्यपाल, और वास्तविक कार्यपालिका रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्रियों के विषय में, ठीक है। तो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के विषय में अनुच्छेद 163 में चीजें दी गई हैं, ठीक है। 163 आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसे सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द गवर्नर। गवर्नर को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। इसके अलावा आर्टिकल 164 कहता है, आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जबकि जो अन्य मंत्री हैं जो कि मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 आप सभी को याद रखना है। अगर इसके अंदर हालांकि पूछा नहीं जाएगा, जहां तक चांसेस है कम है, बट देखो पॉलिटी के अंदर स्टेट का कोई वहां जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जब एमपी की पॉलिटी में आओगे तो उसके अंदर ये कुछ टॉपिक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, है ना, एंड other ministers will be appointed by the governor on the advice of chief minister. इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये हो गई भाई आपकी कुछ आर्टिकल्स, दो आर्टिकल मैंने आपको बताए, मे बी अगर आपको याद रहे तो आप याद रख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका है मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, है ना। मुख्यमंत्री के विषय में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। अब मध्य प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखी अभी तक आपने, विधानसभा के अध्यक्षों की लिस्ट देखी आपने, मध्य प्रदेश के राज्यपालों की लिस्ट देखी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत उनके बारे में फैक्ट जाना। अब मुख्यमंत्रियों से भी तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब हम यहां पर इनकी भी बात कर लेते हैं। तो भाई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पता है कौन थे? मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने इमेज भी लगा दी है। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, बी पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे, और पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले स्पीकर थे विधानसभा के, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल जब मध्य प्रदेश बनता है तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं 1956 से। 1 नवंबर जब मध्य प्रदेश बनता है ना, 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश बनता है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब से लेकर के 31 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पहला तो फैक्ट यही है कि भाई मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम, मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे ये, ठीक है। इसके अलावा इनका जन्म हुआ था सागर में। कहाँ जन्मे? सागर में जन्मे। मुख्यमंत्रियों के बारे में भी पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था सागर में और ये एकमात्र ऐसे सीएम है मध्य प्रदेश के जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए ही हो गई थी। तो इनकी डेथ कैसे हुई? पद पर रहते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं अगले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री, जिनका नाम है भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई 1957 में पदभार संभालते हैं। दो बार मध्य प्रदेश के ये सीएम बनते हैं,
1957 में ये पदभार संभालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और वापस से 1962 में 1962 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1962 से 63 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं, यानी कि ये मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम बनते हैं जो कि दो बार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, जिनका नाम था भगवंत राव मंडलोई, और 1970 में इन्हें पद्म भूषण भी प्रदान किया गया है। 1970 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया, पद्म भूषण सम्मान दिया गया। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे, ये यहां पर नंबरिंग थोड़ी यहां पर मिस्टेक हो गई है नंबरिंग में, तीसरे मुख्यमंत्री थे कैलाश नाथ काटजू। मध्य प्रदेश के तीसरे जो सीएम है उनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू 1957 से लेकर 1957 से लेकर के 1962 तक मुख्यमंत्री रहे। 1957 में कौन था? 1957 में आए हैं भगवंत राव मंडलोई 1957 में बनते हैं। इनके बाद फिर कैलाश नाथ काटजू आते हैं और कैलाश नाथ काटजू के बाद वापस से 1962 में भगवंत राव मंडलोई मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। आ गई बात समझ में? कैलाश नाथ काटजू के विषय में बात करें तो इनका जन्म हुआ था रतलाम में, लेकिन ये कश्मीरी मूल के नेता माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ रतलाम में और ये एक कश्मीरी मूल के नेता माने जाते हैं। कश्मीरी मूल के लीडर थे ये, कश्मीरी मूल के क्या थे? ये नेता थे। ये दो फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है इनके अंतर्गत। इसके अलावा ये पेशे से एक वकील थे और उत्तर प्रदेश राज्य में कानून मंत्री भी रहे थे। तो ये क्या थे? ये एक वकील थे, है ना, वकील थे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य में ये क्या रहे? कानून मंत्री भी रहे, है ना। ये भी आपको यहाँ पर कैलाश नाथ काटजू जी के अंतर्गत याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो थे ही, साथ ही साथ ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। ये अपने कार्यकाल में, है ना, अपने कार्यकाल में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बनते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बनते ही हैं और ये ऐसे पहले सीएम हैं मध्य प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे। जन्म हुआ रतलाम में लेकिन मूल निवासी यहाँ के थे नहीं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम, मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, मध्य प्रदेश के क्या नहीं है? मूल निवासी नहीं है। आ गई बात समझ में? फिर आ जाओ नेक्स्ट। बाकी इनके बारे में अगर और चीजें जानना चाहे तो कैलाश नाथ काटजू जी जो थे, भोपाल की जो बिरला मंदिर है ना, आज आप देखते हो काफी सुंदर मंदिर है, भोपाल की बिरला मंदिर की नींव इन्होंने ही रखी थी, इस बात को भी याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। द्वारका प्रसाद मिश्र जी जो है 1962 तक कैलाशनाथ काटजू रहे, 1962 से 63 तक वापस से भगवंत राव मंडलोई आते हैं और 1963 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, जो कि 1967 तक रहते हैं। तो याद रखिएगा इनके पहले मुख्यमंत्री थे भगवंत राव मंडलोई, है ना। तो द्वारका प्रसाद मिश्र, इनका जन्म उन्नाव में हुआ था, ये यूपी में जन्मे थे, जन्म हुआ था उन्नाव में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं, राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को। ये आपके सामने स्क्रीन पर इनका ही इमेज लगा हुआ है, है ना। और बाकी ये ऐसे जो है सीएम थे ये भी, ठीक है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है, ये भी याद रखिएगा। जब ये मात्र 19 साल के थे तभी ये जेल गए थे, पहली बार मात्र 19 वर्ष की अवस्था में ये जेल गए थे।
फिर आ जाओ द्वारका प्रसाद मिश्र जी 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और 1967 के बाद आते हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री जिनका नाम था गोविंद नारायण सिंह। और गोविंद नारायण सिंह जी 1967 में सीएम बनते हैं और 1969 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। गोविंद नारायण सिंह जी का जन्म हुआ था सतना जिले के रामपुर बघेलान में। रामपुर बघेलान में ये जन्मे थे और ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है, ये आईएएस अधिकारी थे। ये इनका जन्म हुआ था रामपुर बघेलान में, और पेशे से ये एक क्या थे, अधिकारी थे, एक आईएएस अधिकारी थे, और लोक सेवक दल का गठन किया था इन्होंने लोक सेवक दल का क्या किया, गठन किया। और क्या थे ये, एक आईएएस अधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे ये। क्या नाम था, गोविंद नारायण सिंह, है ना, जो कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी के बाद बनते हैं मध्य प्रदेश के क्या, मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा इन्हें बिहार का राज्यपाल भी बनाया गया था। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के क्या थे, ये बिहार के राज्यपाल भी बनते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर इनके बाद 1969 के बाद एक जो है सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री आते हैं मध्य प्रदेश के, जिनका नाम था राजा नरेश चंद्र। मात्र 13 दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री बनते हैं। और फिर कहा जाता है ऐसा कि यहाँ पर जो गतिविधियां थी, है ना, जो अनैतिक गतिविधियां थी, उनको देख करके इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो 1969 में गोविंद नारायण सिंह जी के बाद कौन आता है, आते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह जी। 1969, है ना, मात्र 13 दिनों तक ये रहते हैं मुख्यमंत्री, सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों तक, यानी 25/9/1969 तक ये मध्य प्रदेश के क्या रहते हैं, सीएम रहते हैं। सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम है ये, सबसे कम कार्यकाल इनका था मात्र 13 दिनों तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अनैतिक राजनीतिक गतिविधियां थी उनको देखते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और एक चीज और याद रखना है आपको कि ये पहले आदिवासी नेता भी थे, ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी नेता थे। और इनका संबंध था वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है सारंगगढ़ रियासत, ये सारंगगढ़ रियासत से संबंधित है, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में है, इनका संबंध सारंगगढ़ रियासत छत्तीसगढ़ से था। तो वही 13 दिनों तक रहते हैं ये राजा नरेश चंद्र सिंह जी, ये स्वयं इस्तीफा दे देते हैं और फिर ये अपने जो मुख्यमंत्री का जो पद है उसको त्याग कर देते हैं, उससे जो है इस्तीफा दे करके। और फिर उनके बाद आते हैं श्यामा चरण शुक्ल जी, ठीक है। तो 1969 की यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो 1969 में एक अगला मुख्यमंत्री आता है मध्य प्रदेश का, और 1972, हालांकि ये तीन बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं बैक टू बैक, तीन बार बनते हैं। सबसे पहली बार 1969 में आते हैं और 72 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। 1969 में आते हैं, 72 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। उसके बाद ये आते हैं 1975 में और 1979 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं, ठीक है। 77 दो साल ही रहे थे, दो साल 1975 से 1977 तक रहते हैं। और तीसरी बार 1989 में आते हैं और 1990 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। यानी तीन बार मुख्यमंत्री बने थे श्यामा चरण शुक्ल जी। फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार 1969 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो बड़ा एक खास तथ्य है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में पिता और पुत्र की जोड़ी मुख्यमंत्री रही है, है ना। ये पता है किसके पुत्र थे, ये पुत्र थे पंडित रविशंकर शुक्ल के।
इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जो मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके ही पुत्र थे श्यामा चरण शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। ये रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी थे, रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ के क्या थे, निवासी थे। आपातकाल, जब मध्य प्रदेश में आपातकाल लगता है, आपातकाल के समय यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपातकाल के दौरान यही मुख्यमंत्री थे, कहां के, मध्य प्रदेश के। आ गई बात समझ में? हाँ, राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले ये पहले सीएम थे। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो यही उस समय मध्य प्रदेश के सीएम थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन का सामना सामना करने वाले प्रथम सीएम, पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा। 1977 में फर्स्ट टाइम यही थे श्यामा चरण शुक्ल जी, सेकेंड टाइम लगता है 1980 में, और दूसरी बार 1992 में। तो 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और पहली बार जब लगा था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल जी ही थे। आ गई बात समझ में? फिर आ जाओ नेक्स्ट, अगले जो मुख्यमंत्री है वो है प्रकाश चंद्र सेठी, जो कि 1972 में, जब श्यामा चरण शुक्ल 1972 में इनका पहला कार्यकाल खत्म हुआ, तो फिर कौन आते हैं मध्य प्रदेश में? प्रकाश चंद्र सेठी आते हैं 1972, है ना। फिर उसके बाद देखो दूसरी बार ये कब आए, ये श्यामा चरण शुक्ल 1975 में आए, है ना। तो यानी पहली बार 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी बनते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और फिर उसके बाद 1972 से 1975, ये बीच का जो गैप है ना, इसमें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के प्रकाश चंद्र सेठी। इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था प्रकाश चंद्र सेठी का, और ये भी जो है आपातकाल का इन्होंने भी सामना किया था, इमरजेंसी जब लगी थी ना, आपातकाल का सामना किया था। आपातकाल का सामना किया था तो, और एक चीज और, राज्य योजना आयोग बनाया गया था 1972 में। राज्य योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन मुख्यमंत्री ही होते हैं। तो जब 1972 में ये आयोग बनता है, उस समय पर यही मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी। तो राज्य योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो भी प्रकाश चंद्र सेठी ही थे, इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अगले जो सीएम है उनका नाम है कैलाश चंद्र जोशी, है ना। अभी आपने पढ़ा प्रकाश चंद्र सेठी, उनके बाद फिर से श्यामा चरण शुक्ल आते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कैलाश चंद्र जोशी, जिनका कार्यकाल था 1978 से 1980 तक आपके कैलाश चंद्र जोशी जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हैं, और इन्हें, कैलाश चंद्र जोशी जी को राजनीति का संत कहा जाता है। तो इनका उपनाम है राजनीति का संत, इन्हें राजनीति का संत कहकर भी पुकारते हैं, है ना। और इसके अलावा इनका जन्म हुआ था देवास में, और ये 8 बार विधायक बने थे देवास से। जन्म हुआ था इनका देवास में, और ये 8 बार के विधायक हैं देवास से, ठीक है। फिर कैलाश चंद्र जोशी जी के बाद 1980 के बाद आपके, एक मिनट, कैलाश चंद्र जोशी जी 77 से 78 है,
ये देखिए, श्यामा चरण शुक्ल जी का पहला कार्यकाल जब खत्म हुआ उसके बाद 72 में आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी जो कि 75 तक रहते हैं, ठीक है। 75 में वापस से श्यामा चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और ये रहते हैं 77 तक। 77 में फिर आपके मुख्यमंत्री बनते हैं कैलाश चंद्र जोशी, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी है, 77 में बनते हैं कैलाश चंद्र जोशी जो कि 79 तक रहते हैं और आप यहां पर देखोगे कि वापस से 1989 में बाद में चलकर फिर से जो है श्यामा चरण शुक्ल एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। मतलब इस बीच 77 और 1989 के बीच भी कई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनते हैं, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने कैलाश चंद्र जोशी जी का कार्यकाल लिख दिया था, 77 से 78 ही करिए, 78 है ना। फिर 1978 में आते हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा, 1978 में आते हैं और 1980 तक ये रहते हैं। हालांकि ये वर्ष नहीं पूछा जाएगा लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हुई है, मतलब राष्ट्रपति शासन की बात करें या भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो क्या होता है कि उस समय ऐसा पूछ लिया जाता है उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये वर्ष अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा का कार्यकाल है 1978 से 1980 है ना। ये भी पेशे से वकील थे, जन्म इनका हुआ था मंदसौर में, मंदसौर, और पेशे से ये एक वकील थे, है ना। 1978 से लेकर के 1980 तक मध्य प्रदेश के ये क्या रहते हैं, सीएम रहते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण 1980 में ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, मुख्यमंत्री पद से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है इनके ऊपर। के आरोप से 1980 में इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो 1980 तक वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का जो है कार्यकाल रहता है और फिर 1980 है ना, 1980 से कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है सुंदरलाल पटवा का, और ये भी मध्य प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 1980 में बनते हैं, ठीक है, और 1900 यानी कि दो बार, देखो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में, तीन बार लगा है, एक बार 1977 में जब लगा तब श्यामा चरण शुक्ल जी थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरी बार 1980 में लगता है उस समय सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जब तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है 1992 में तब भी यही मुख्यमंत्री थे। यानी कि एक बार 1980 में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और दोबारा 1990 से 1992 तक ये मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी कि ये टोटल कितनी बार सीएम रहे, तो ये दो बार सीएम रहे, दो बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे, और दो बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया मध्य प्रदेश में तो भी यही मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। तो राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा, राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा दूसरी बार, ठीक है, और तीसरी बार लगा था 1992 में, और दोनों ही बार कौन, सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहली बार कब लगा, 1977 में श्यामा चरण शुक्ल जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे वो थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। फिर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था पटवा जी का नीमच जिले में, कहाँ हुआ इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था भैया नीमच जिले में। और इसके अलावा बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था ना 1992 में, उस समय मध्य प्रदेश के सीएम यही थे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, सुंदरलाल पटवा जी ही थे। समझ में आ गई इतनी बातें। फिर बाद में इनकी सरकार को बर्खास्त भी कर दिया गया था और ये जेल भी गए थे, तो ये लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए।
है ना। तो पहली बार 1980 में और फिर उसके बाद दूसरा इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है 1990 से और 1992 तक जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जो पहला कार्यकाल था इनका, जब पहला कार्यकाल खत्म होता है तो इनके बाद मध्य प्रदेश के जो अगले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं उनका नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी भी कई बार मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं 1980 में। 1980 में मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर उसी बीच जो है भोपाल गैस त्रासदी भी होती है ना, भोपाल गैस कांड भी होता है 1984 में और ये 1985 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। फिर दूसरी बार जो है ये मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, है ना, 11-12 मार्च 1985 को, 11-12 मार्च 1985 को, ठीक है। और इसके बाद ये तीसरी बार भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 1988 में बनते हैं 89 तक, यानी कि अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके, तीन बार, है ना। और सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो राजा नरेश चंद्र जी हैं, एक ही बार बने मुख्यमंत्री और सिर्फ 13 दिन उन्होंने काम किया और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर तो वो है, लेकिन कार्यकाल के तौर पर अगर देखें, देखो व्यक्ति के तौर पर सबसे कम कार्यकाल हम देखें तो राजा नरेश चंद्र जी का, राजा नरेश चंद्र जी का मात्र 13 दिन, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बार बने ही। लेकिन कार्यकाल, कार्यकाल के रूप में देखें तो सबसे कम कार्यकाल मात्र एक दिन का है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं अर्जुन सिंह जी, ठीक है। तो अर्जुन सिंह जी और राजा नरेश चंद्र जी, ये दोनों जो है कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है, लेकिन व्यक्ति के तौर पर राजा नरेश चंद्र और सबसे कम कार्यकाल किसी सीएम का तो फिर अर्जुन सिंह जी मात्र एक दिन। तो तीन बार ये मुख्यमंत्री रहते हैं और इनके टाइम की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि भोपाल, भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड 2-3 दिसंबर की रात 1984 में इन्हीं के टाइम पर हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। बाकी ये ना आपके 5 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 5 बार केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए हैं, 5 बार ये केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो अर्जुन सिंह जी हैं इन्हें राज्यपाल भी बनाया गया है पंजाब का, तो ये पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। है ना, ये क्या रहे, पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। और इस तरह से इनका कार्यकाल थोड़ा सा, पहली बार जब ये आपका भोपाल गैस कांड हुआ ना उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आया था और उस दौरान ऑपरेशन फेथ चलवाया था अर्जुन सिंह जी ने ही, जो भोपाल गैस कांड से पीड़ित जनता थी ना भोपाल की, उनके लिए जो है ऑपरेशन फेथ चलवाया था और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। फिर दोबारा एक दिन के लिए बनते हैं और फिर जो है 1988 में ये मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं। फिर देखो पहली बार की बात करते हैं, ठीक है, 1985 के बाद, 1985 के बाद 1985 से लेकर के 1988 तक मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इनकी भी इमेज है ना, मोतीलाल वोरा बनते हैं। और फिर 89 में जब अर्जुन सिंह जी का तीसरा कार्यकाल खत्म होता है तो वापस से मोतीलाल वोरा, यानी कि दो बार मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री बने। कितनी बार? दो बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अर्जुन सिंह जी तीन बार मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। मोतीलाल वोरा जी का जो जन्म है वो राजस्थान में होता है, जन्म राजस्थान में होता है और उत्तर प्रदेश के ये गवर्नर भी बनते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के ये गवर्नर भी बनते हैं। ये पेशे से एक क्या थे, पत्रकार थे। और 1988 में जो 85 वाला जो कार्यकाल इनका स्टार्ट हुआ था, है ना, उसमें इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये पेशे से एक पत्रकार थे और 1988 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था,
इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो 1988 और फिर वापस से जो है 88 में अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर 89 में मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर मोतीलाल वोरा के बाद आपका यहाँ पर बारी आती है दिग्विजय सिंह जी की, है ना। दिग्विजय सिंह पहली बार जो है आपके 1998 मोतीलाल वोरा हो गए, हाँ 1998 में ये जो है दिग्विजय सिंह 1993 में, माफ कीजिएगा 1993 में ये पहली बार बनते हैं मुख्यमंत्री। सबसे लंबा कार्यकाल था अब तक, लेकिन अभी शिवराज सिंह जी चौहान जो है वो सबसे लंबे कार्यकाल वाले बन गए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के पहले सबसे लंबा कार्यकाल दिग्विजय सिंह जी का ही था। तो 1993 में जो है पहला कार्यकाल इनका स्टार्ट होता है और 1998 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं, है ना। 1993 से लेकर 1998 तक रहते हैं, उसके बाद 1998 में दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है और 2003 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। जिस वक्त मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उस वक्त दिग्विजय सिंह ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है, उस समय दिग्विजय सिंह ही मध्य प्रदेश के क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके अलावा ये एक रियासत के राजा भी हैं, शायद आप सभी को इनके बारे में पता होगा, राघोगढ़ रियासत के राजा भी हैं। और इनके कार्यकाल में एक बहुत बड़ा कानून या कह सकते हैं एक बहुत मतलब बड़ा बदलाव आया था, और वो ये था कि ये भारत के पहले सीएम थे जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया था। तो भारत के पहले याद रखना, भारत के पहले सीएम जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। तो ये हो गए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी को दिग्गी राजा के नाम से भी जानते हैं। दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2003 में जाकर के इनका कार्यकाल खत्म होता है और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सुश्री उमा भारती जी का काल। 2003 से स्टार्ट हो जाता है सुश्री उमा भारती जी का काल 2003, ठीक है। और ये भी ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह पाती। 2003 से 2004 है ना तक जो है इनका कार्यकाल था। और उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, ठीक है। 2003 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, 2004 तक रहता है। इनका जन्म हुआ था टीकमगढ़ में, ये लोधी राजपूत परिवार से संबंधित है। जन्म हुआ था टीकमगढ़ में, छतरपुर टीकमगढ़ है ना, बुंदेलखंड से संबंधित है ना, लोधी परिवार से संबंधित है, लोधी जाति से ये जो है संबंध रखती है। 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई जाती है। बचपन से ही ये साध्वी रहती है ना, साध्वी का जीवन जीती है। पंचजा अभियान शुरू करने में इनका ही श्रेय है, पंच इंपॉर्टेंट है ये, पंचजा अभियान की शुरुआत, पंचजा अभियान किसने स्टार्ट किया था, उमा भारती ने ही स्टार्ट किया था, है ना। इसके साथ साथ भोपाल से सांसद रही, चार बार ये खजुराहो से सांसद रहती हैं, और हुगली झंडा कांड के कारण इन्हें अपने पद से 2004 में इस्तीफा देना पड़ता है, हुगली झंडा कांड। फिर 2004 में जब ये इस्तीफा देती हैं तो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं बाबूलाल गौर। 2004 में जब ये अपने पद से इस्तीफा देती हैं तो अगले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं बाबूलाल गौर, जो कि 2004 से 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, और इन्हें बुलडोजर नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है, बुलडोजर।
इन्हें बुलडोजर नाम से भी जानते हैं, है ना, उपनाम है, कहा जाता है। और साथ ही साथ भारतीय मजदूर संघ के ये संस्थापक सदस्य हैं, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य हैं, जिनका नाम है बाबूलाल गौर। क्लियर। फिर 2005 में अगले मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश के, जिन्हें हम मामा के नाम से जानते हैं। पहला कार्यकाल, मामा जी का पहला कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है 2005 से। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान ही हैं। तो पहला कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है 2005 से और 2008 में जाकर के खत्म होता है। 2008 में वापस से कार्यकाल स्टार्ट होता है, 2013 तक रहता है। 2013 से वापस से स्टार्ट होता है तो 2018 तक रहता है। 2018 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं कमलनाथ, परंतु उनकी सरकार गिरने की वजह से एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, है ना। यानी कि 2020 से आज तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है, यानी कि सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है, शिवराज सिंह चौहान जी का है। तो सर्वाधिक, देखो, चार बार ये मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं, सर्वाधिक चार बार बनते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल भी है इनका, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इनका जन्म हुआ था बुधनी जो कि है सीहोर में, और यही इनका विधानसभा क्षेत्र भी है। बुधनी सीहोर में इनका जन्म हुआ था और यही इनका विधानसभा क्षेत्र भी है। और भाजपा के ये राष्ट्रीय महासचिव और अध्यक्ष भी रहे हैं और 5 साल ये लगातार सांसद भी बने हैं। 13 वर्ष की उम्र में आरएसएस के सदस्य भी बन गए थे, है ना। तो ये है इनके बारे में। और मैंने आपको बताया कि 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो थे कमलनाथ। तो कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 2018 में, और 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, है ना। और कमलनाथ जी की सरकार गिरने के कारण जो है इन्हें यहाँ पर कमलनाथ जी की जगह शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इनका एक उपनाम है, बड़ा फेमस है, और इन्हें युवा तुर्क कहा जाता है, है ना। कमलनाथ जी को क्या कहते हैं, कमलनाथ जी को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। आपातकाल के दौरान संजय गांधी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे, और मध्य प्रदेश के ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सबसे अधिक बार लगातार सांसद होने का रिकॉर्ड है इनके पास। लगातार 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं ये। लगातार 9 बार छिंदवाड़ा जिले से सांसद बनने का रिकॉर्ड भी किनके पास है, कमलनाथ के पास है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बात की जाए कि 3 बार के मुख्यमंत्री कौन है, तो पहले तो अर्जुन सिंह है, दूसरे है श्यामा चरण शुक्ल, है ना। मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है शिवराज सिंह चौहान। एक व्यक्ति के तौर पर सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताओगे राजा नरेश चंद्र सिंह जी, मात्र 13 दिनों तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो वो है अर्जुन सिंह जी का, है ना, मात्र 1 दिन। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी उमा भारती, सुश्री उमा भारती, 2003 से लेकर 2004 तक। और ये हो जाती है अपनी खत्म मुख्यमंत्री की सीरीज। नाम भी याद करना है, जो कुछ मैंने फैक्ट बताए आपको वो भी याद करना है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे अगले टॉपिक में, जो कि है राज्य न्यायपालिका स्टेट ज्यूडिशियरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जुडिशरी का काम क्या होता है,
आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, यदि कोई वाद विवाद हो उसे निपटाने के लिए हमारे भारत में कौन काम करता है? न्यायपालिका काम करती है, जुडिशरी काम करती है। भारत में देखेंगे तो भारत में जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पूरे भारत में अगर आपको न्याय लेने जाना है तो आप सबसे पहले जिला सेशन न्यायालय जिसे हम कहते हैं वहां पर जाओगे, नहीं मिलता तो आप राज्यों की हाई कोर्ट में जाओगे, वहां पर भी नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वहां पर आपको न्याय मिलेगा जरूर, है ना। तो फिलहाल अगर हम राज्यों के स्तर पर बात करें तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 214 क्या कहता है? आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी, है ना। और इसी आर्टिकल का यूज करते हुए हमारे मध्य प्रदेश में भी एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना की गई है 1956 को की गई, और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है वो है जबलपुर। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है जबलपुर में, और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की दो खंडपीठें भी हैं, और ये दो खंडपीठें भी हैं, और इन खंडपीठों की स्थापना हुई थी इंदौर और ग्वालियर में। कहां पर? इंदौर और ग्वालियर में इन दो खंडपीठों की स्थापना की गई थी, है ना। और इन खंड, जैसे जबलपुर में हाई कोर्ट की स्थापना की गई है 1956 को, उसी प्रकार से खंडपीठों की स्थापना की गई है 1968। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खंडपीठों की स्थापना 1968 में की गई थी। जो आपका जबलपुर हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट का निर्माण करवाया था राजा गोकुलदास ने। वो जो भवन है ना, जो इमारत है, बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनवाया था राजा गोकुलदास ने। जबलपुर में राजा गोकुलदास, और वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वास्तुकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो वास्तुकार थे उनका नाम था हेनरी इरविन। हाई कोर्ट के वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, और 1956 में जबलपुर में हाई कोर्ट बना था, लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था 1956 के पहले, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट नागपुर में था, ये भी याद रखिएगा। जैसे राजधानी नागपुर में थी ना, उसी प्रकार 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर था? ये था नागपुर में। ये कुछ फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में बनता है, तो मध्य प्रदेश के जो पहले चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं हाई कोर्ट के, उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला, चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, देखो अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो कोई भी महिला अब तक मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, मध्य प्रदेश में जज बनी है, ठीक है। तो जो पहली महिला जज है मध्य प्रदेश की प्रथम
महिला जज या महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम है सरोजिनी सक्सेना। सरोजिनी सक्सेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फैक्ट पूरा आपको याद कर लेना है। दो आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना करनी है, करने की बात की गई है, और इसी आर्टिकल का यूज करते हुए 1956 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका निर्माण राजा गोकुलदास ने करवाया। आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन। जबलपुर हाई कोर्ट की दो खंडपीठें हैं जिनकी स्थापना 1968 में हुई थी, इंदौर और ग्वालियर में। 1956 के पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय नागपुर में था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश, उनका नाम था सरोजिनी सक्सेना। अब जैसे आपने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्रियों की एक पूरी लिस्ट देखी, वैसी ही एक लिस्ट आपको मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों की भी देखनी है। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, ठीक है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन बने, तो भैया मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले क्या बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इनके विषय में बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे, ये आपको पता चल गया। मध्य प्रदेश के फर्स्ट, प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, पहली चीज ये पता है आपको। दूसरी चीज, ये मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम न्यायाधीश भी हैं, पहले तो है, बाकी ये मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम न्यायाधीश भी हैं, पहले मुस्लिम न्यायाधीश भी कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्ला है। इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्ला एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने भारत के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। ये भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, जी हाँ, और भारत के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ये बनते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे, ये भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के तो थे ही, मध्य प्रदेश के पहले थे, बाकी सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी बनते हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद हिदायतुल्ला दो बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके साथ साथ ये भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे, भारत के छठवे उपराष्ट्रपति बनते हैं। देखो ये सब के सब जो फैक्ट है ना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। और ये अपने मतलब कहा जाता है कि काफी युवावस्था में एडवोकेट जनरल बन गए थे, युवावस्था में ही एडवोकेट
एडवोकेट जनरल बन गए। और ये कुछ बातें थी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जी के विषय में जो कि आपको याद रखनी है। फिर मध्य प्रदेश के जो दूसरे, एक मिनट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, 1958 तक ही रहे। कार्यकाल क्या है, बहुत से कार्यकाल है ना, मुझे भी कभी कभार मिस हो जाता है। मे भी ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, बट हमें यहाँ पहले जो है न्यायमूर्ति या पहले सीएम या पहले विधानसभा अध्यक्ष, उनका कार्यकाल तो हमें पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फिर से मिस्टेक कर दी थी, ये 1958 तक रहते हैं। फिर 1958 में मध्य प्रदेश में दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायमूर्ति हैं, वो शपथ लेते हैं। उनका नाम था न्यायमूर्ति जीपी भट्ट। अब ना आपको सिर्फ नाम याद रखना है, न्यायमूर्ति जीपी भट्ट, न्यायमूर्ति जीपी भट्ट। 31 दिसंबर 1958 से इन्होंने कार्यभार संभाला। 12 दिसंबर ही था वैसे, 12 दिसंबर को ही इन्होंने विदाई ली थी, 12 दिसंबर, और उसी दिन से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दूसरे न्यायमूर्ति कौन बनते हैं, न्यायमूर्ति जीपी भट्ट बनते हैं। और तीसरे न्यायमूर्ति वो बनते हैं जो कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, आपको कुछ याद आया, वो है न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश। इसमें भी वही वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन मध्य प्रदेश के जो है न्यायमूर्ति नहीं रहे, या निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति रहे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित तीसरे थे, और चौथे थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल मध्य प्रदेश के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, और आपके जो अगले न्यायाधीश हैं पांचवे, उनका नाम है न्यायमूर्ति पी के तारे। आपको सिर्फ ये मैंने बताया ना, लिस्ट याद रखनी है, लिस्ट याद कर लिया तो मान लो बहुत सारा काम आसान हो गया। पीवी दीक्षित जी के संदर्भ में याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी बनते हैं, इनफैक्ट मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं ये। नेक्स्ट थे न्यायमूर्ति शिव दयाल श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति शिव दयाल श्रीवास्तव, और शिव दयाल श्रीवास्तव जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं है ना, इन्हें विधि वाचस्पति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, विधि वाचस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं न्यायमूर्ति एपी सेन। न्यायमूर्ति एपी सेन मध्य प्रदेश के साथ साथ इन्होंने राजस्थान का भी कार्यभार संभाला है ना, ये राजस्थान के भी कार्यकारी जो है चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, और ये ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने फेयरवेल लेने से मना कर दिया था, एपी सेन ने है ना, न्यायमूर्ति एपी सेन ने फेयरवेल लेने से मना कर दिया था, और इस तरह के ये पहले क्या है, न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति जीपी सिंह, न्यायमूर्ति जीपी सिंह, और अगले हैं न्यायमूर्ति जी एल ओझा। आपको लग सकता है कि मैम बहुत सारे नाम हैं, ये सारे नाम हमें एक साथ कैसे याद होंगे, तो वही है एग्जाम के पहले थोड़े दिन पहले आप ये लिस्ट एक बार याद करिएगा तो फिर याद रहेगा, एग्जाम तक तो एटलीस्ट याद ही रहेगा, बाकी प्रीलिम्स में ही ये काम आता है, मेंस में बहुत ज्यादा ये काम नहीं आता है। ठीक है, तो जी एल ओझा जी के बारे में हो गया। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति जे एस वर्मा। न्यायमूर्ति जे एस वर्मा है ना, ये मध्य प्रदेश के दसवें मुख्य न्यायाधीश थे, 10 हो गए, 11वें में आते हैं जे एस वर्मा। जे एस वर्मा जी का भी नाम याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा चुका है। फिर है न्यायमूर्ति एन डी ओझा, याद आए, ये भी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, एन
डी ओझा, एन डी ओझा, ठीक है। फिर जब हम आएंगे 12वें नंबर पर तो न्यायमूर्ति एन डी ओझा के बाद बनते हैं न्यायमूर्ति जी जी सोहानी। न्यायमूर्ति जी जी सोहानी, कई बार होता है कि कुछ बच्चे ट्रिक से याद कर लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं, अच्छी खासी ट्रिक बनाते हैं, तो आप भी चाहो तो ट्रिक बना सकते हो, है ना। तो न्यायमूर्ति जी जी सोहानी जी। अगले आते हैं न्यायमूर्ति एस के झा, न्यायमूर्ति एस के झा, एस के झा जी के बाद आते हैं न्यायमूर्ति यू एल भट्ट, न्यायमूर्ति यू एल, यू एल भट्ट। तो 14वें मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति यू एल भट्ट। फिर आते हैं न्यायमूर्ति ए के माथुर, न्यायमूर्ति ए के माथुर, है ना। ए के माथुर जी के बाद आते हैं न्यायमूर्ति भवानी सिंह जी, न्यायमूर्ति भवानी सिंह जी मध्य प्रदेश के 16वें क्या थे मुख्य न्यायाधीश थे भवानी सिंह जी। के बाद आते हैं न्यायमूर्ति कुमार राजरत्नम, न्यायमूर्ति कुमार राज रत्नम। और ये हो गए आपके 17वें मुख्य न्यायाधीश। और जो अगले न्यायाधीश हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रम, आर वी रविंद्रम। रविंद्रम नेक्स्ट है न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति ए के पटनायक। तो देखो 19 जो है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आपने पढ़ लिए, है ना, जहां पर 10 के बाद आपने जाना। 11वें थे न्यायमूर्ति एन डी ओझा, उसके बाद आपने देखा न्यायमूर्ति जी जी सोहानी जी बनते हैं, फिर बनते हैं न्यायमूर्ति एस के झा जी, फिर बनते हैं न्यायमूर्ति यू एल भट्ट, ठीक है, फिर बनते हैं न्यायमूर्ति ए के माथुर, फिर आते हैं न्यायमूर्ति भवानी सिंह जी, फिर आते हैं न्यायमूर्ति कुमार राजरत्नम, है ना, फिर आते हैं न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रम, फिर आते हैं न्यायमूर्ति एस ए के पटनायक जी, ठीक है। ये हो गए अपने 19 न्याय, अभी तक लिस्ट ये खत्म नहीं हुई है, है ना, अभी आगे लिस्ट बाकी है। तो हमारे जो 20वें थे न्यायमूर्ति उनका नाम है एस एस राफत आलम, राफत आलम, ये थे 20वें, है ना। पेन का कलर चेंज करूं क्या, चलो कोई नहीं, समझ में तो आ रहा है। तो एस राफत आलम जी, एस राफत आलम जी के बाद एक कार्यवाहक जो है मध्य प्रदेश में न्यायमूर्ति आते हैं जिनका नाम था न्यायमूर्ति सुशील हरकोली, न्यायमूर्ति सुशील हरकोली, सुशील हरकोली ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे, याद रखिएगा, है ना, कार्यवाहक थे सुशील हरकोली जी। के बाद 2012 में आते हैं एस ए बोबड़े, एस ए न्यायमूर्ति, ये सब सुप्रीम कोर्ट से संबंध रखते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, फिर एस ए बोबड़े, एस ए बोबड़े के बाद मध्य प्रदेश में खानविलकर जी, न्यायमूर्ति खानविलकर जी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बनते हैं, ए एम खानविलकर, न्यायाधीश ए एम
खान विलकर, और खान विलकर जी के बाद मध्य प्रदेश में फिर से एक कार्यवाहक जो है न्यायाधीश आते हैं, है ना, तो खान विलकर जी के ही बाद आते हैं, याद रखिएगा। तो जो दूसरे कार्यवाहक आपके न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के, उनका नाम है न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, और ये भी कैसे हैं, ये भी कार्यवाहक है, ठीक है, ये भी कैसे हैं, ये भी कार्यवाहक है, राजेंद्र मेनन। राजेंद्र मेनन के बाद नेक्स्ट आते हैं हेमंत गुप्ता। ये एक लिस्ट है, वैसे ये लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, जरूरी नहीं है कि मैं आपको बता रही हूं तो आप लिखे, गूगल भी कर सकते हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, ठीक है, ये हो गए 25 जो है चीफ जस्टिस। और उसके अलावा हालांकि कार्यकारी जो है ना, कार्यवाहक जो है उनको ऐड नहीं करें तो ज्यादा सही है, ये 20 21वें थे एस ए बोबड़े, 22वें खान विलकर, और 23वें थे न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के बाद आते हैं न्यायमूर्ति एस के सेठ, एस के सेठ, और एस के सेठ के बाद वापस एक कार्यवाहक जो है चीफ जस्टिस आते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और उनका नाम था रवि शंकर झा, न्यायमूर्ति रविशंकर झा, और याद रखिएगा ये भी कैसे हैं, ये भी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक ये है मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, रविशंकर झा। उनके बाद आते हैं श्री अजय मित्तल, न्यायमूर्ति श्री अजय मित्तल मध्य प्रदेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश, और फिर अजय मित्तल के बाद संजय यादव जी आते हैं और वो भी कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं, संजय यादव, और ये भी कैसे हैं, ये भी कार्यकारी हैं, ये भी क्या है, कार्यवाहक हैं। और फिर जो 26वें न्यायमूर्ति बनते हैं वो बनते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, और वर्तमान समय में है न्यायमूर्ति रवि मलिमथ। तो 26वें हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, और 27वें हैं न्यायमूर्ति रवि मलिमथ, और वर्तमान में रवि मलिमथ जी ही हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इतनी चीजें हो गई क्लियर, याद होगा, बैठ के याद करना पड़ेगा आपको, लिस्ट याद कर लेना, प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, देखो उटपटांग से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इन्हीं में से आते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से कि इतने नाम हम कैसे याद रखेंगे, बट याद करना पड़ेगा, देखो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा ना, मेहनत करोगे कुछ अलग करोगे तभी तो स्कोर कर पाओगे अच्छा खासा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो डिलीट भी होते, क्या पता कुछ डिलीट भी हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको सेफ स्कोर में लेकर जाएंगे। तो ये हो गए मध्य प्रदेश मुख्य न्यायाधीश, है ना। अब आगे की बात कर लेते हैं, और मैं आपको बता देती हूं कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा न्यायालय है, मध्य प्रदेश किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहलाता है। लेकिन अगर हम जिला स्तर पर बात करें, है ना, तो जिला स्तर पर काम करते हैं सेशन कोर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिला न्यायालय बोलते हैं। कौन काम करता है जिला स्तर पर, काम करता है जिला न्यायालय जिसे हम सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं, सेशन कोर्ट, इसे ही हम सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं, सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो किसी भी जिले का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो क्या कहलाता है, जिला न्यायालय कहलाता है। तो याद रखिएगा, जिला स्तर पर होता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, और इसके जो जज होते हैं, इसके जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है,
है ना। यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें किस नाम से पुकारते हैं, उन्हें हम क्षत्र न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। उसके बाद किसी भी जिला न्यायालय को, है ना, दो ऐसे केसेस होते हैं जब हम किसी भी जिला न्यायालय को स्पेशल कोर्ट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे हम स्पेशल कोर्ट कहते हैं या विशेष न्यायालय कहते हैं, विशेष न्यायालय कहते हैं, ठीक है। तो विशेष न्यायालय कौन से न्यायालय होते हैं, तो ये कोई अलग नहीं बल्कि सत्र को ही, जो सेशन कोर्ट होते हैं, सत्र को, सत्र न्यायालय को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, विशेष न्यायालय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कब कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर दो केसेस हैं जब किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जा सकता है। पहला तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई सुनवाई होनी है तब किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष यानी स्पेशल कोर्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दूसरा, अगर कोई एससी एसटी एक्ट 1989 से जुड़ा हुआ मुद्दा है तब उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो स्पेशल कोर्ट हैं वो काम करते हैं। मध्य प्रदेश में आपको एक राजस्व न्यायालय भी मिल जाएगा, राजस्व न्यायालय। क्या होते हैं राजस्व न्यायालय, तो भूमि दीवानी, है ना, भूमि जायदाद, देखो दो तरह के जो अपराध क्या जो आपके यहाँ पर वाद आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक तो लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले, दो तरह के मामले होते हैं, एक लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले जिसे हम फौजदारी मामले कहते हैं, दूसरा भूमि विवाद आदि से संबंधित कोई अगर मामला है तो उसे हम दीवानी मामले कहते हैं। तो उन्हीं दीवानी यानी भूमि संबंधी मामले हैं उन्हीं को हम दीवानी मामले कहेंगे और उन्हीं मामलों के लिए मध्य प्रदेश में राजस्व न्यायालय की भी स्थापना की गई है। उद्देश्य समझ में आ गया, भूमि संबंधी विवाद है, कोई प्रकरण है उसे निपटाने के लिए, ठीक है। और इस राजस्व न्यायालय का जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश में वो जबलपुर में नहीं है, याद रखिएगा, वो ग्वालियर में है। तो राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, याद रखना, ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर एक और कोर्ट काम करती है जिसे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम से जानते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो मान लो कोई ऐसा मामला है वो काफी दिनों से पेंडिंग है, अब उसकी जल्द से जल्द सुनवाई करनी है, जल्द से जल्द उसका क्या करना है, निराकरण करना है, तो उस परिस्थिति में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो शुरुआत है वो हुई है 1 अप्रैल 2001 से। फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत कब से हुई, 1 अप्रैल 2001 से हुई, ठीक है। फिर एक और तरह के हमारे यहाँ जो है न्यायालय होते हैं जिसे हम ग्राम न्यायालय कहते हैं। अब गांवों में कोई न्यायालय है, माफ कीजिएगा, गांव का कोई मामला है, मान लो छोटा मोटा मामला है, अगर दीवानी मामला है तो 20,000 रुपए से कम का कोई मामला है मान लो, तो क्या उसके लिए आप सेशन न्यायालय जाओगे, सेशन कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे, नहीं ना। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में भी और केंद्र सरकार की योजना के तहत भी अब गांवों में ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्राम न्यायालय क्या काम करता है, गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए गांव ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर। और मतलब कैसे मामले, अगर मान लो कि कोई ऐसा मामला है जिसमें रकम 20,000 रुपए से कम की है दीवानी में, फौजदारी में 2 साल से की सजा का कोई मामला है, उस केस में ग्राम न्यायालय में सुनवाई हो जाएगी और आपको न्याय दिया जाएगा। तो ग्राम न्यायालय की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला जो ग्राम न्यायालय था उसकी स्थापना की गई थी नीमच जिले में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार ग्राम न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी 26 जनवरी 2001 को झातला गांव में, और झातला गांव है नीमच, नीमच जिले में है झातला गांव। फिर उसके बाद केंद्र सरकार की भी योजना आती है और केंद्र सरकार की योजना के तहत मध्य प्रदेश में, केंद्र सरकार की योजना के तहत, हाँ,
केंद्र सरकार की योजना के तहत मध्य प्रदेश के अंदर पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 में स्थापित किया गया था बैरसिया में, बैरसिया है भोपाल में। तो हाई कोर्ट तो होता ही है, बाकी उसके अलावा भी कुछ यहां पर स्पेशल कोर्ट, शासन कोर्ट, राजस्व न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ग्राम न्यायालय, ऐसे कुछ कोर्ट यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सभी राज्यों के अंदर लगभग काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसे महाधिवक्ता कहा जाता है, ठीक है, उसके बारे में चीजें देख लेते हैं। तो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता सरकार का सबसे बड़ा, मतलब सरकार की तरफ से मान लो कोई केस है, सरकार की तरफ से कौन जाएगा, महाधिवक्ता सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा राज्य का या सरकार का। सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, मैंने यहां पर महाधिवक्ता, ठीक है। और ये जो पद है ना वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक पद है, आपके संविधान का एक आर्टिकल है 165, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के ही संदर्भ में चीजें कही गई हैं और कहा गया है, आर्टिकल 165 कहता है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। किस लिए की जाएगी, क्योंकि ये सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता का नाम पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता थे श्री एम अधिकारी, मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे, श्री एम अधिकारी, क्लियर। तो ये आपने महाधिवक्ता के विषय में भी चीजें देख ली है ना। अब देखो इसके बाद जो सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्वशासन व्यवस्था। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप आधे घंटे, 15 मिनट या 35 मिनट में नहीं समझ सकते और यहाँ से क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। तो इसका लगभग 2.5 से 3 घंटे का, मिनिमम 2.5 घंटे का एक पूरा एक सेशन मैं लूंगी जहां पर 1-to-1 एक एक चीज आपकी क्लियर करूंगी। और मध्य प्रदेश के पंचायती राज के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में आप हर क्वेश्चन उस लेक्चर को देख कर समझ करके पढ़ पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो इस तरह से ये जो आपका वन शॉट था इसे हमने लगभग कंप्लीट किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 2.5 से 3 घंटे के एक अलग सेशन में हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपने सारा, आपके पास कॉन्टेंट भी आ गया होगा। हम और सारे ही टीचर्स एमपी एग्जाम वाला की कोशिश कर रहे हैं कि 10 यूनिट के हर मतलब लगभग वो सारे जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं या टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपको कवर कराए ताकि एग्जाम के टाइम पर वो आपको हेल्प कर सके। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।